Shivaji College. Shivaji College has always believed in selfless community service and making a significant contribution to society. In the NSS, students and faculty work together to lend a helping hand to the community. We conduct numerous initiatives through the year related to environment, health, and rural education. We hope today's webinar will be an enlightening and enjoyable experience for all. I would like to mention some protocols. I request all participants to turn off their videos and audios during the webinar. I also request everyone to send their questions on the chat box, which will be handled later after the talk. The feedback form will be circulated at the end of the session. It will be active for 1 hour after the session. I request you all to fill it before you leave the meeting. As a tradition, before starting the webinar, we will give the blessings of Goddess Saraswati, who is a symbol of knowledge and wisdom, so that our lives are filled with enlightenment. Shall we begin? Principal Dr. Shiv Kumar Sahdev to address the audience. Sir, thank you, Professor Manju Agarwal, all participants, dear colleagues, and dear students. I'm very happy that NSS Unit of Shivaji College has organized this webinar today. I am very thankful to Professor Agarwal for sparing time, and I'm sure that you all will enjoy her talk. Thanks a lot. Thank you, sir. I now call upon Program Officer of NSS, Dr. Ruchira Dhingra, to address the audience. Namaskar. Webinar में उपस्थित सभी महानुभावों, विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से सम्मानित प्रतिभागियों, प्राचार्य सर एवं प्रिय छात्र-छात्राओं, आप सबका शिवाजी कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर से स्वागत, वंदन, अभिनंदन. मन के दो प्रकार चेतन और अवचेतन माने गए हैं. चेतन मन के द्वारा मनुष्य जागृत अवस्था में सोचता है और बाहरी दुनिया का अनुभव करता है. अवचेतन मन इन्हीं सब बातों को ग्रहण कर सुरक्षित रख लेता है. एक प्रकार से अवचेतन मन को आत्म तत्व के साथ जोड़कर देखा गया है. कहते हैं हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे चारों ओर बनता चला जाता है. अवचेतन मन से विशिष्ट परिस्थिति में अचानक आने वाली प्रतिक्रिया अवचेतन मन से आती है, जिसे आत्मशक्ति कहते हैं. किसी का भी जीवन समतल नहीं है. यदि दुख, पीड़ा, संतरास, तनाव ना हो तो सुखादि का महत्व भी शून्य हो जाता है. विपरीत परिस्थितियों में इसी आत्मशक्ति को सुदृढ़ करने की आवश्यकता होती है. जब हम अपने में विश्वास रखते हैं, किन्हीं ना किन्हीं वजहों से कहीं ना कहीं हम अपने उस परम तत्व पर भी विश्वास करने लगते हैं. अतः अपने जीवन और ब्रह्मांड के बारे में जैसा विश्वास हम करते हैं, मनुष्य को वैसा ही विश्वास प्रतीकात्मक रूप से प्राप्त होता है. अवचेतन मन के आदेश पर मस्तिष्क उसी प्रकार के हार्मोन उत्पन्न करने लगता है और वह अपना कार्य पूरा कर लेता है. अवचेतन मन मृत्यु उपरांत आत्मा के साथ दूसरा शरीर धारण करते समय भी उसके साथ विद्यमान रहता है, जिससे व्यक्तित्व निर्माण और संस्कार प्राप्त होते हैं. मनुष्य अगर विश्वास कर सके तो कुछ भी असंभव नहीं है. मित्रों, असंभव में ही संभव समाविष्ट है.
सकारात्मक विश्वास से सफलता और नकारात्मक व निराशात्मक सोच से असफलता, संदेह, अविश्वास में कमी निश्चित है। वर्तमान परिदृश्य में चारों ओर व्याप्त आपाधापी स्वार्थपरायणता ने हमें अधिक अधिकता से अवचेतन मन में ऐसी एक स्थिति उत्पन्न कर दी है कि हम नकारात्मक ही सोचने लग गए हैं और इससे व्यक्ति आत्महत्या जैसे अपराध तक कर बैठता है। शिवाजी कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना के शिक्षक, पदाधिकारी एवं छात्र आपके जीवन के हर नकारात्मक विचारधारा को समाप्त कर आपको प्रसन्न देखने के अभिलाषी हैं। आपका वर्तमान और अगला जीवन आनंद से भरा हो, यही हम मंगल कामना करते हैं। आज का यह वेबिनार आपकी सोच में सकारात्मक बदलाव लाकर नए गुणों को विकसित कर परिपूर्ण करेगा, यही हमारी हृदय से कामना और अभिलाषा है। धन्यवाद। थैंक यू रुचिरा मैम, वेरी इंस्पायरिंग वर्ड्स। आई वुड नाउ लाइक टू इंट्रोड्यूस आवर स्पीकर फॉर टुडे। प्रोफेसर मंजू अग्रवाल इज प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी एंड डीन स्टूडेंट वेलफेयर अमिटी यूनिवर्सिटी लखनऊ कैंपस। Dr. Manju is a psychotherapist, hypnotherapist, family consultation therapist, a social entrepreneur, and an educationalist with 38 years of experience. She is bestowed with the LMA Outstanding Women Achiever Award and has represented India twice in the UN for development issues. She has many publications in national and international journals and has conducted more than 125 training programs for more than 4,000 hours in India and abroad. Ma'am, in this virtual world, we have certain limitations, so our token will also be virtual. But ma'am, it's given us a lot of love and gratitude from the entire NSS. I have taken it. We felicitate our speaker with this bouquet. Welcome, ma'am. Welcome to the webinar. Professor Manju, ma'am, I now request you to take over the proceedings. Thank you. Thank you very much, Antara. Yes, Shiv Kumar ji. Thank you very much for welcoming me, and Dr. Ruchira, आपने तो इतना खूबसूरत introduction दिया, और Dr. Ruchira ने बहुत effort भी किया, in fact हम लोगों को connect होने में और आज इस platform को सक्रिय करने में। So Dr. Ruchira, आपने तो बहुत ही सुंदर बताया, मुझे लग रहा था ये भाषण आपका अभी और चलना चाहिए था, क्योंकि आपने तो बहुत ही अच्छा उसको बताया कि किस तरह से, मुझे तो ये बताने में डर लग रहा था कि अवचेतन मन अगले शरीर में भी जन्म लेता है, बट आपने उसको भी बता दिया, तो मुझे लगता है आपने तो काफी अध्ययन कर रखा है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इंट्रोडक्शन एंड फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू एड्रेस द फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स ऑन द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, बिकॉज वंस वी बिकम अवेयर, एक बार हम अपने अवचेतन मन के, अपने सबकॉन्शियस माइंड के लिए यदि अवेयर हो जाते हैं, तभी हम उसके लिए कुछ कर पाएंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट द फर्स्ट स्टेप टू हैव सम काइंड ऑफ कंट्रोल और गाइडिंग फोर्स टूवर्ड्स आवर बिहेवियर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर अबाउट वॉट इट इज, एंड देन इट्स डेफिनेटली अ लॉन्ग लॉन्ग जर्नी। वन आवर आई विल ट्राई टू brief you in very very common words what is subconscious mind, and I will try to use visuals so that you understand better, and I will also give you, so I'll divide my presentation in 2-3 stages. One is how this subconscious mind works, or the theory of subconscious mind, but theory, don't be scared, it is not so theoretical, it is very very practical. So what is subconscious mind, how it operates briefly, and I will also try to give you some tips, certain things, so that you can start working on your subconscious mind. So we begin with So again, thanks a lot. And what is our mind? Our mind is actually a ball of energy, or it's a ball around us, and we as body are just
inside it and a part of it. So mind is actually, it's still an enigma. And since in science, something which cannot be verified, which cannot be measured, is often ignored. And therefore, itne saalon se hamare mind ka, हमारे पास बहुत मेजरेबल इंडिकेटर्स माइंड के नहीं है और अक्सर माइंड और ब्रेन को लोग एक दूसरे से कंफ्यूज करते हैं. ब्रेन अलग है, ब्रेन एंड माइंड अलग है. और अगर इसका एक बहुत खूबसूरत सा एग्जांपल हो सकता है कंप्यूटर. कंप्यूटर में जो हार्डवेयर है वो ब्रेन है और जो सॉफ्टवेयर है वो माइंड है. अगर सॉफ्टवेयर में अगर कहीं भी कुछ आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बेसिस पे वर्क करता है और सॉफ्टवेयर पे अगर कहीं कुछ गड़बड़ी हुई तो नेचुरली आपके सारे प्रोग्राम्स, आपके सारे आउटपुट्स, आपके सारे आउटकम्स में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स और इश्यूज आने लगते हैं. सो इट इज अ बॉल ऑफ एनर्जी. एंड आपने अपने अगर इंडियन सिस्टम को देखिए या फॉरेन सिस्टम को देखिए तो हमारे इंडियन सिस्टम्स में कहा जाता है कि 72,000 नाड़ियां होती हैं. और अगर आप चाइनीज सिस्टम देखिए तो दे आर टॉकिंग अबाउट मेरिडियंस. सो ये जो मेरिडियंस हैं ये ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी के अंदर हैं, ये हमारे वो जो बॉल ऑफ एनर्जी है उसमें है. सो देयर इज समथिंग लाइक दिस जो अभी आपको ये दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, एंड ये वाला जो आपको दाहिने हाथ पे जो एक पिक्चर दिख रही है, और साथ में मैंने इसमें कोशिश की है चक्रास को आइडेंटिफाई करने के लिए भी. ये यदि आप इसको ध्यान से देख पाए तो ये जो बहुत सारी नाड़ियां हैं, जो मेरिडियंस हैं, दे आर क्रॉसिंग ईच अदर. सो ये जो चक्रास हैं दे आर द जंक्शन बॉक्स, लाइक इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स जो होते हैं, एनर्जी सिस्टम्स, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, उसमें जो जहाँ जंक्शन बॉक्स बनाए जाते हैं उसी तरह ये जो चक्रास हैं, बहुत सारे चक्रास हैं, बट जो सात मेजर चक्रा की हम लोग यूजुअली बात करते हैं वो सात में, ये जो सात चक्रास हैं ये हमारे जंक्शन बॉक्स हैं जिनके थ्रू ये सारी नाड़ियां एक दूसरे से क्रॉस करती हैं. और ये बाई चांस हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड, आप में से बहुत सारे लोग एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम के बारे में जानते होंगे, ये सारे चक्र, ये सातों जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उन एंडोक्राइन सिस्टम के ही सातों ग्लैंड्स हैं हमारी, जो कि डकलेस ग्लैंड होती हैं. और जब भी सिंपैथेटिक पैरासिंपैथेटिक सिस्टम्स एक्टिवेट होते हैं, मैं थोड़ा सा बाद में इसके बारे में बता दूंगी, तो ये ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाती हैं. और ये अभी आप देख रहे हैं ये वाला, ये वाली फोटो, यू सी दैट व्हेन एवरीथिंग इज फाइन, ये जो आपकी जो लाइंस जा रही हैं, दे आर क्वाइट स्ट्रेट. स्ट्रेट इन द डजंट मीन स्ट्रेट, बट देर इज नो कर्व इन द लाइंस. बट द मोमेंट देर आर थॉट्स विच आर नॉट पॉजिटिव और विच आर नॉट वेरी हेल्दी और विच गो अगेंस्ट आर सिस्टम्स, तो ये जो लाइंस होती हैं ये कर्व हो जाती हैं. और जितनी ज्यादा इंटेंस थॉट्स होंगी उतनी ही ज्यादा ये लाइंस में कर्वेचर आ जाता है. और दोबारा फिर इनको सिस्टम में लाने के लिए हम बहुत सारी चीजें करते हैं. एंड जो हमारे पुराने सिस्टम्स हैं, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, दे हेल्प अ लॉट इन ब्रिंगिंग दिस एनर्जी सिस्टम बैक इन इन द करेक्ट पोजीशन, इन द राइट पोजीशन. So I'll just share with you something which you must know before we go ahead about talk about subconscious mind. One is that every day we have about 60 to 70,000 thoughts a day. Can you imagine? Very, very high number of thoughts. And 90% of these thoughts are same as the previous day and the previous day. When the thoughts are same, thoughts actually generate feelings. So when the thoughts are same, the feelings are same. Feelings means emotions. Feelings also lead to emotions, and emotions means energy in motion. So you have same emotions, and when you have same emotions, your behavior is going to be same energy and same behavior. So if you are thinking, I'm bad, I'm not good enough, I'm upset, people are cheating me,
You think yesterday, you think the same today, so your energy is going to be low. Your walk will be different. Your face will radiate different things than when you think, I'm happy, people are supportive. So same energy and same behavior. And then the behavior is likely to be same. If because you were feeling that people cheat me, people are not good to me, then you may not like to talk to people. You may not want to contact them, have a conversation, have a fun around. And then that becomes your personality or your personal reality. And all these, every thought, every action actually creates neuropathways. And the neuropathways, when you have the same feeling, same feeling, same feeling, so this neuropathways gets stronger and stronger and stronger. So these neuropathways are more strong. And every experience also has cellular memories. And I think let's try that. You all, how many participants are there? Are they ready for some kind of intervention? Yes, ma'am. There are about. I want you to, and please, participants, I yes, will do a 1 or 2 minute exercise. And please be with me. And after this exercise, please post your comments on the chat box so that I know how you felt. Are you all ready to do that? Yes, ma'am. Okay, thank you. So just close your eyes. Just close your eyes. Deep breathe 3 times. Gehri saans lein aur apne ko relax karein. आप गहरी सांस लेते हैं तो आप रिलैक्स क्यों करते हैं? क्योंकि अगर आप ये देखें, जब आप नर्वस होते हैं तो आपकी सांस कैसे होती है? शैलो होती है. आपकी सांस जो है वो यहाँ से आती है और शैलो होती है. जब आप एंग्शियस होते हैं, जब आप अपसेट होते हैं, तो आपकी फर्क तरह की सांस चलती है. तो ऑटोमेटिकली दीज आर ऑटोमेटिक, दीज आर इनवॉलंटरी एक्शंस. पर सांस पे हमारा थोड़ा जोर है. हम चाहें तो अपनी सांस को चेंज कर सकते हैं. और जैसे हम अपनी सांस को चेंज करते हैं, हमारे मन की स्थिति भी चेंज हो जाती है. इसलिए आजकल बहुत लोग बोलते हैं डीप ब्रीथ, डीप ब्रीथ, डीप ब्रीथ, बिकॉज द मोमेंट यू डीप ब्रीथ, योर ब्रेन वेव्स जो है वो बीटा से, बीटा मीन्स बहुत शैलो और फास्ट, बीटा से वो अल्फा में आ जाती है जो कि थोड़ा गहरी, विच इज अ काइंड ऑफ मेडिटेटिव स्टेट. सो जस्ट डीप ब्रीथ 3-4 times. अब तक आप 3-4 बार ले चुके होंगे. And as I say 1, 2, 3, just follow my instructions. Feel what you feel, see what you see, hear what you hear. जो सुनाई पड़े सुने, जो दिखाई पड़े, but जो first thing आपके mind में आए, जो दिखाई पड़े उसको देखें, और जो महसूस हो उसको महसूस करें, और महसूस करें. So just get in touch. 1, 2, 3. Get in touch with the most painful experience of your life. 1, 2, 3. The most painful experience of your life. Get in touch with it. Feel what you feel. Hear what you hear. See what you see. जो दिखाई पड़ रहा है देखें, जो सुनाई पड़ रहा है सुने, जो महसूस हो रहा है महसूस करें. The most painful experience of your life. और जरा ये देखें कि आपके बॉडी के क्या किसी पार्ट में कोई सेंसेशन हो रहा है, कोई कहीं पेन महसूस हो रहा है, कुछ को जरूर होगा, या आपके दिल में धड़कन बढ़ गई है, या सांस फर्क तरह से चल रही है, या बॉडी के कोई पार्ट में सेंसेशन महसूस हो रहा है. और यदि आपको कुछ इस तरह से किसी पार्ट में पेन हो रहा है, तो उस पार्ट को अपने फिंगर्स से थोड़ा टैप कर लीजिए
the pain will reduce. Be aware of that body part जहां आपको pain या sensation हो रहा है. Okay. Now, I don't want to leave you with painful experience. So, I will again say 1, 2, 3, and now you have to remember the most happy moment of your life. And जहाँ भी आपको pain हो रहा था, वहाँ पे replace कर दीजिएगा इसको. इस event को अपने happy moment से replace कर दीजिए. 1, 2, 3. Think of the most happy moment of your life, the most joyous moment of your life. Feel what you feel, hear what you hear, see what you see. जो दिखाई पड़ रहा है देखें, जो सुनाई पड़ रहा है सुने, जो महसूस हो रहा है महसूस करें. The most happy event of your life. और जिन भी बॉडी के पार्ट्स में या जहां भी आपको पेन का सेंसेशन हो रहा था, वहां आप उसको प्लेजर के सेंसेशन से रिप्लेस कर दें. Now I want you, some of you, to either अपना microphone on करके, speaker on करके अपने experience share करें. Feeling nice, ma'am. Okay. पहला जब था तो कैसा लगा था? Please put on your video and so that I can see who is talking. Okay. जब आपको some of you must have felt some pain or some high level of sensation in some part of body. When I ask कि जो आप सबसे दुखद अपना अनुभव याद करें. So who wants to share? Ruchira, you wants to share? Yes. बहुत yeah. तेज पीठ में दर्द हुई. पेट में दर्द महसूस हुआ या और दिमाग में ऐसे लगा जैसे बहुत कुछ चल रहा है. दिमाग में लगा कुछ चल रहा है. यस यस. और ये सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट था मेरी लाइफ का जब मेरा बेबी मेरे हाथ में आया था. व्हेन आई गिव बर्थ टू हिम एंड उस समय सारा दर्द खत्म हो गया. जो सारा दर्द खत्म हो गया और जो मेरा दिमाग में जो झनझनाहट थी वो भी धीरे धीरे खत्म होने लग गए. धीरे धीरे खत्म. हाँ, और मुझे ऐसे लगा जैसे मैं किसी बाग में खड़ी हूँ जहाँ हर तरफ फूल है. ग्रेट ग्रेट ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस डॉक्टर रुचिरा. एंड आई थिंक यू कैन यूज इट, यूज दिस टेक्निक एनी टाइम. जब भी आप कभी अपसेट हो, जब आप परेशान हो, तो आपका ये जो हैप्पीएस्ट मोमेंट है उससे रिप्लेस कर दीजिए उस अपसेट को. एंड जस्ट से, और जब अपसेट हुआ तो आपके पेट, दैट मीन्स गट जो होता है ये बहुत है. और ये जो आपका एनर्जी बॉल होता है इसका सेंटर पॉइंट आपके स्टमक में होता है. तो आप इंटरव्यू के लिए वेट कर रही हैं और आपके पेट में बटरफ्लाइज होते हैं या आपका डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ा जाता है, आपका ब्लैडर पूरा गड़बड़ा जाता है बिकॉज ये जो एनर्जी बॉल है इसका सेंटर स्टमक होता है. फिर आपका ये साथ में और भी चीजें हैं, एनी वेयर इट कैन अफेक्ट इनफैक्ट. तो आपका जो है तुरंत आपकी धड़कन, जैसे आपका पेट में वो होगा आपकी धड़कन भी बढ़ जाएगी, आपकी तेजी से आपका हार्ट चलने लगता है. आज भी हम लोग अगर एकदम वी आर वेरी कॉन्फिडेंट, उसके बावजूद अगर कहीं कोई बड़ी मीटिंग है उसमें कुछ क्वेश्चन पूछना है तो उसको पूछने के पहले कभी कभी हार्ट थोड़ा सा तेज मेरा चलने लगता है. सो माई बॉडी इज प्रिपेयरिंग मी दो टू आस्क द क्वेश्चन एंड गैदर मोर एनर्जी एंड गट्स. वो पूरा सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक सिस्टम का साइंस है पूरी.
Anybody else who would like to share, please? Students? Any comments which has come in the chat box, Antara? Ma'am, you are getting many compliments also, and they are saying that somebody said that their heart felt heavy when you asked us to imagine the difficult times. किसी ने लिखा है बहुत सुंदर मैम, बहुत ही लाभदायक. Anybody else? I'll just so somebody saying they felt instant pain and instantly happy with both at the same time. Okay. And very joyful, and somebody said they felt very joyful. They felt some relaxation. Okay, great. And आप कितने लोगों को जितने लोगों को एक बॉडी में सेंसेशन या पेन महसूस हुआ प्लीज राइट इट इन योर चैट बॉक्स. आई विल गैदर दैट डेटा फ्रॉम अंतरा. श्योर मैम, श्योर. ओके, सो प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स. आप में से काफी, जैसे अभी डॉक्टर रुचिना ने किया बताया, शेयर किया कि शी हैड सम. डॉक्टर अंतरा, यू ऑल्सो ट्राइड इट? यस मैम, यस मैम. सो यू डिड यू हैव सम सेंसेशन इन सम पार्ट ऑफ बॉडी? Yes, ma'am. A mixture of again the pain, and then when you asked me to replace it with a happy memory, then it felt much better. और जब आपको जब pain की feeling थी, because we all have good experience, we all have bad experience in our lives. Of course. तो आपको जब आपने unpleasant experience याद किया, तो आपको body के किस part में sensation हुआ? Ma'am, chest में, थोड़ा सा heart में. Chest में, heart में हुआ. Actually, हर व्यक्ति के जो हम आपको बोल रहे थे cellular memory. जी जी, हर एक्सपीरियंस की सेलुलर मेमोरी होती है. सेल्स में हमारी मेमोरी होती है. तो जैसे डॉक्टर रुचिरा ने बताया, उनके पेट में उनको महसूस हुआ, यहाँ पे उनको लगा झनझन झनझन या कुछ कुछ हो रहा है. आपने जैसे कहा चेस्ट में हैवीनेस लगी, और भी कुछ लोगों ने ऐसे लिखा है. सो व्हाट डज इट इंडिकेट? इट इंडिकेट्स दैट योर एक्सपीरियंस स्टिल हैज दैट सेलुलर मेमोरी, एंड दैट इज स्टोर्ड इन योर सबकॉन्शियस माइंड. Or within a minute, we can remember those unpleasant experiences. Within a minute, हमारा mind कहाँ से कहाँ जा सकता है? आप अभी बैठे-बैठे अमेरिका में चले जाएंगे और अंटार्कटिका में भी चले जाएंगे. अभी हम वो चीन में भी पहुंच जाते हैं और पेंगोंग लेक भी घूम लेते हैं. The moment you remember it, your mind actually travels it. Your energy also travels there. And so these cellular memories have to be released. Painful experiences की cellular memories अगर हमारे पास हैं, तो हमें उनको release कर देना चाहिए, या जो ये painful experiences cellular memory के रूप में, neuro pathways के रूप में हमारे पास stored है, subconscious mind में stored है, और उससे related भी अगर कुछ भी हमारा experience होता है, तो वो subconscious mind activate हो जाता है, trigger हो जाता है, और हमें फिर उसी तरह के अनुभव, उसी तरह का महसूस होता रहता है, चाहे हमें वो बात याद आए चाहे ना याद आए. वो इवेंट हो सकता है हमें बिल्कुल ना याद आए, बट अगर उससे रिलेटेड, मान लीजिए किसी कोई ऐसा ओकेजन था जब आपने ह्यूमिलिएशन, किसी ने आपको, यू आर 4 years old एंड समबडी ह्यूमिलिएटेड यू, मे बी योर टीचर, मे बी योर फ्रेंड्स, मे बी योर पेरेंट्स, एनीबडी, और आपको वो उस समय बहुत बुरा लगा था. आपने उसको जैसे इंटरप्रेट किया, वैसे वो आपकी उसमें चला गया सबकॉन्शियस माइंड में, और आगे फ्यूचर में ये इवेंट तो आप भूल गए, पर वो उसके जो एक्सपीरियंस अनुभव है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है. और कभी भी आपको लाइफ में अगर ह्यूमिलिएट, कोई और ह्यूमिलिएट करेगा, एंड देन यू आर लाइकली टू हैव द सेम फीलिंग विदाउट रिमेम्बरिंग दैट इवेंट. सो दैट इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड. सो आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर यू अबाउट this what subconscious mind is. Can I remove this? Let me hat ra yahan se. ye jo theory hai ye John Kappas ne di hai, aur actually he was a hypnotherapist and Sigmund Freud, who is considered the father of psychology. इन्होंने कहा कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, इट्स लाइक आइसबर्ग. आइसबर्ग मींस एक बहुत छोटा सा पार्ट ऊपर दिखता है और नीचे बहुत बड़ा सा पार्ट रहता है उसका. मोर देन 80% इज सबमर्ज्ड इन द वॉटर, जिससे टाइटैनिक नहीं दिखा और खत्म हो गया. तो हम भी
अगर अपने सबकॉन्शियस माइंड को नहीं देख पाएंगे तो टाइटैनिक की तरह कब एक्सीडेंट हो जाए पता नहीं, और फिर हमारा क्या होगा हमें नहीं पता। इसीलिए हम कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं, कभी किसी और फिजिकल डिजीजेस। इनफैक्ट फिजिकल डिजीजेस आर एज मच कॉज्ड बाय आवर सबकॉन्शियस माइंड एज एनी मेंटल डिजीजेस। तो ये डिविजन बिटवीन फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल, फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ इज एब्सोल्युटली यूजलेस। इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोई भी फिजिकल डिजीज ऐसी नहीं है जिसके पीछे आपका माइंड नहीं काम कर रहा। आपने हमेशा देखा होगा यदि आपको स्पॉन्डिलाइटिस है, अगर आप ऑब्जर्व करेंगी तो जब भी आप स्ट्रेस में आते हैं आपका स्पॉन्डिलाइटिस बढ़ जाता है। या आपने आपने देखा होगा जो जिन लोगों को लगातार स्ट्रेस है या वो अपने लाइफ में स्ट्रेस परसीव कर रहे हैं वो ज्यादा बीमार रहने लगते हैं, उनकी इम्यूनिटी सिस्टम लो हो जाती है। अभी भी पूरा कोरोना टाइम्स में भी हम बोल रहे हैं कि प्लीज 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 जो है अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाइए। और इम्यूनिटी ये भी लोग अब कहने लगे हैं कि आप पॉजिटिव रहिए, प्राणायाम करिए। क्यों? क्योंकि अगर हम पॉजिटिव रहते हैं, हम बहुत घबराते नहीं हैं, एंग्शियस नहीं होते, तो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम विल ऑटोमेटिकली गो अप, ऑटोमेटिक। और अगर हम बहुत घबराएंगे, अरे काम को ना हो जाए, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लो हमारे रिलेटिव्स को कुछ ना हो जाए, हमारे पेरेंट्स को कुछ ना हो जाए, कहीं सेपरेशन ना हो जाए। आई हैड अ क्लाइंट, वेरी यंग गर्ल, एंड शी हैड अ वेरी सीवियर एंग्जाइटी ऑफ सेपरेशन कि मेरे पेरेंट्स को कुछ ना हो जाए। एंड शी हैड ऑल काइंड ऑफ सिम्टम्स, ब्रेथलेसनेस, वैसे उसको पहले भी प्रॉब्लम थी, फिर हमारे संग आके ठीक हो गई थी ऑलमोस्ट। अभी ये स्ट्रेस आया तो उसकी फिर वो ब्रेथलेसनेस, एसिडिटी वगैरह सब बढ़ गई। बेस्ट ऑफ डॉक्टर्स को वो दिखा चुकी थी, उसको ठीक नहीं हो रही थी। और दो तीन सेशंस में, चार सेशंस में हम लोगों ने हिप्नोथेरेपी के थ्रू उससे उसकी जो रिलीज कर दिए पुराने, तो वो ठीक हो गई। बट जैसे ये फिर दोबारा कोरोना आया, शी अगेन बिकम वेरी, उसको ट्रिगर हो गया और फिर वो जो है एंग्शियस बहुत हो गई। बट फिर अगेन वी हेल्प्ड हर एंड शी इज नाउ फाइन एब्सोल्युटली। एंड व्हेन आई टॉक टू सेल्फ टॉक की बात करेंगे तो मैं बताऊंगी। सो आपका 10-12% कॉन्शियस माइंड है, जिसको हमें लगता है सारा माइंड यही है। दिस इज द क्रिटिकल माइंड, दिस इज द क्रिएटिव माइंड, दिस इज द थिंकिंग माइंड, दिस इज द एनालाइजिंग माइंड, डिसीशन माइंड, सब यही है। पर 88-90% हमारा सबकॉन्शियस माइंड और प्रिमिटिव माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड मिला के है। और जैसे अभी डॉक्टर रुचिरा ने कहा कि हमारा जो प्रिमिटिव माइंड है उसमें हर जन्म की स्टोरेज है मेमोरीज का। इसीलिए जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में प्रिमिटिव माइंड को हम एक्टिवेट करते हैं और प्रिमिटिव माइंड से वो एनर्जी ट्रेवल होके पास्ट लाइफ में पहुंच जाती है। ये भी पूरा साइंटिफिक है, ऐसे इसमें कोई बहुत मिस्ट्री नहीं है। एंड देन बहुत सारी चीजें हमारे पास्ट लाइफ से भी आती हैं हमारे पास। बहुत सारी डिजीजेज आ सकती हैं, बहुत सारी फीलिंग्स आ सकती हैं। इवन हमारे यूट्रस में जब हम बड़े हो रहे होंगे, हमारे तो माइथोलॉजी में अभिमन्यु की भी कहानी है, तो उस समय भी जो माँ की फीलिंग्स होती हैं वो हमको असर डालती हैं। सो सिगमंड फ्रायड ऑल्सो सेड दिस, देर आर ओनली टू फीलिंग्स which are in the primitive mind. One is fear of noise and fear of falling. ये दो हमारी primitive होती हैं, and fight and flight. ये दो responses हमारे by birth आते हैं, बाकी सब हम अपने environment से store करते हैं। So this child trusts the mother. Therefore this child doesn't have this fear of falling. अगर ये चाइल्ड, मान लीजिए उसको वूम्ब में कोई एक्सपीरियंस हुआ होता, बहुत से बच्चे उछालना नहीं पसंद करते, हो सकता है उनको वूम्ब में कोई ट्रस्ट लॉस का एक्सपीरियंस हुआ, इट्स पॉसिबल। हम कॉज एंड इफेक्ट के बहुत स्ट्रॉन्ग कड़ी नहीं बता सकते, कोई भी नहीं बता सकता फिलहाल, बट इट्स वेरी पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल इफ द फैमिली ट्राइड टू अबॉर्ट द चाइल्ड, सो द फर्स्ट सेंस ऑफ रिजेक्शन, द चाइल्ड हैज felt that feeling, उसको वो feeling मिल गई, sense of rejection. It's very difficult for that child to trust the environment, very difficult for that child to trust the family, mother, anybody. So ये बहुत लंबी कहानी है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ूंगी। So if we see this, तो ये जो हमारा subconscious mind है, इसमें करीब 4,000 message units every minute हमें मिलते रहते हैं।
4,000 मैसेज यूनिट्स पर मिनट वी रिसीव. सो देयर इज अ क्रिटिकल फिल्टर. सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड के बीच में एक क्रिटिकल फिल्टर होता है. ये क्रिटिकल फिल्टर वीडियो तो इसके अंदर तुरंत चला जाता है, पर हमने अपने कुछ रूल्स और बिलीव्स बना लिए हैं जिसके बेसिस पर उसका इंटरप्रिटेशन उस हिसाब से 24 घंटे के अंदर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप ने देखा कि देयर इज अ फ्रेंड ऑफ योर्स, वो आपको पास करके चला गया एंड डिड नॉट नोटिस यू. इसके इंटरप्रिटेशन बहुत से हो सकते हैं. आप ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि इसने मुझे इग्नोर किया. आप ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ये जरूर स्ट्रेस में रहा होगा, इसीलिए आज मैं इससे शाम को फोन करके पूछूंगी कि क्या बात थी. हैं, मान लीजिए यही दो इंटरप्रिटेशन फिलहाल हमने, देयर मे बी मेनी मोर इंटरप्रिटेशंस. तो अगर आपने ये इंटरप्रेट किया कि इसने मुझे इग्नोर किया, तो आपका बिहेवियर उससे गाइड होगा कि नहीं नेक्स्ट टाइम. आपके फ्रेंड के प्रति आपका बिहेवियर, अगर आपने ये इंटरप्रेट कर लिया कि वो इग्नोर मी, अरे अभी तो इसको प्रमोशन मिला है ना, इसीलिए अब ये मेरे को इग्नोर करने लगा. इस तरह के इंटरप्रिटेशन हम लगातार अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग तरह से अलग अलग लोग देते हैं. और जिस तरह का इंटरप्रिटेशन हम अपने पास रखेंगे, उसी प्रकार की हमारा माइंडसेट, मेंटल स्टेट बनेगी. नेक्स्ट टाइम जब हमें वो फ्रेंड दिखा, तो ये हमने इंटरप्रिटेशन अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया. नेक्स्ट टाइम वो फ्रेंड जब हमें दिखा, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने तुरंत ये कहा, दिस पर्सन इग्नोर्ड यू एंड यू आर गोइंग टू हैव सम काइंड ऑफ नेगेटिव फीलिंग फॉर दैट पर्सन. हो सकता है इस बार आप भी उसको इग्नोर करते, हो सकता है आप बात ना करें उससे. और अगर आपने दूसरा इंटरप्रिटेशन किया कि मे बी माई फ्रेंड इज बिजी एंड ही डिड नॉट इवन नोटिस मी, ऐसा तो कभी होता नहीं था. एंड इफ यू कॉल दैट पर्सन, देन यू कैन गेट डिफरेंट एक्सप्लेनेशन, अरे मैंने तो देखा नहीं, या हम सचमुच बिजी थे. एंड योर माइंड विल इमीडिएटली गेट रिजॉल्व एंड योर मे बी ये इससे आपका फ्रेंड जिसने हो सकता है जानबूझ के सचमुच इग्नोर किया हो, वो एकदम पिघल जाएगा और वो जो है आपकी और उसकी बॉन्डिंग और बढ़ जाएगी कि देखो मैंने तो इसको इग्नोर किया. अगर उसने इग्नोर किया था, हो सकता है वो एक्चुअली में स्ट्रेस में रहा हो, बट नेचुरली वो अपने फ्रेंड से ये थोड़ी कहेगा कि मैंने तुमको इग्नोर किया था. और वो उसकी उसको लगेगा कि देखो मैंने तो इसको इग्नोर किया और इस बंदे ने मुझे फोन किया. और अगर वो सचमुच स्ट्रेस में रहा होगा, तब भी उसकी बॉन्डिंग आपसे बढ़ेगी. अगर उसने सचमुच इग्नोर किया होगा, तब भी उसकी बॉन्डिंग आपसे बढ़ेगी. सो बाय सर्टेन बिहेवियर्स एंड सर्टेन इंटरप्रिटेशंस हम अपने वी हैव टू बी केयरफुल कौन सा हम इंटरप्रेट. यही होती है पॉजिटिव एंड नेगेटिव थॉट. हम अगर ये पॉजिटिव को अंदर ले जाएंगे, तो माई एनर्जी एंड माई दैट बॉल ऑफ एनर्जी विल रिमेन स्ट्रेट, अदरवाइज उसमें कर्व्स आने के चांसेस ज्यादा हैं. एंड दिस सबकॉन्शियस माइंड इज 6,000 टाइम्स मोर पावरफुल. 9 to 10 times ज्यादा बड़ा है कॉन्शियस माइंड से, और 6,000 टाइम्स मोर पावरफुल. तो अगर कोई भी आपकी थॉट वहां गई, तो वो 6,000 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गई अपनी इंटेंसिटी में. इसका ध्यान रखिए. इट इज सेड दैट 5% ऑफ द डे वी यूज आवर कॉन्शियस माइंड एंड 95% ऑफ द टाइम वी यूज आवर सबकॉन्शियस माइंड. एंड सबकॉन्शियस माइंड इज लाइक अ कैप्टन जो कि बड़े से ओशन में शिप को नेविगेट कर रहा है, और वो कहाँ ले जाएगा वो कैप्टन पे डिपेंड करेगा. सो अगर कैप्टन सेंसिबल है, उसके पास कंपास है, उसको पता है कहाँ जाना है, तो वो उसी डायरेक्शन में ले जाएगा, और जहां उसको पता होगा वहीं ले जाएगा. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को, जो आपका कैप्टन है, उसको आप ठीक से बता रहे हैं कि नहीं कि कहाँ जाना है. Most of the time we do not lead the life of our wishes and desires, but led by the programs we downloaded by observing 0 to 8 years and also in pregnancy. ये जो हमारा critical filter है, ये भी 0 to 8 years में develop हो जाता है. इसीलिए कहते हैं कि शुरू के years are the formative years, are the critical years. उस समय के उसके अनुभव, उस समय जो वो observe कर रहा है, घर के माहौल में जो देख रहा है. 0 to 5 years तो बच्चा ज्यादातर घर में ही रहता है,
हालांकि आजकल तो 2.5 साल से भी बाहर जाने लगा, इसका मतलब बाहर का एनवायरनमेंट भी उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। तो बाहर वो क्या देख रहा है, घर में क्या देख रहा है, कार्टून कौन से देख रहा है, मोबाइल में क्या देख रहा है, ये सारा उसका एनवायरनमेंट है और ये सब उसके क्रिटिकल फिल्टर को डेवलप कर रहा है। एंड देयरफॉर वो, और वो प्रोग्राम्स डाउनलोड कर रहा है जो उसको लाइफ टाइम नेविगेट करने में मदद करेंगे। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस। डजंट मीन दैट वी आर टू oppressing about our child and बहुत ज्यादा उसको हाईली मॉनिटर करें, बट उसको एक बहुत पॉजिटिव एनवायरमेंट, घर में लव देखेगा तो लविंग बनेगा, घर में ह्यूमिलिएशन देखेगा तो दूसरों को ह्यूमिलिएट करेगा, घर में वायलेंस देखेगा तो वो भी वायलेंट बनेगा। वो चाहे लाख वो चाह ले कि हम ऐसा नहीं बनना चाहते, या तो वो एकदम रिबल बन जाएगा, या मोस्टली बच्चे चाहे ना चाहे अपने माँ बाप की तरह बन ही जाते हैं। So, ये जो ब्लैक वाला है, दिस इज कॉजिंग अ प्रॉब्लम, कैन वी रिमूव इट? ओके, नाउ दिस इज बेटर। सो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि हमारे जितने इनवॉलंटरी एक्शंस हैं, हमारा जो चाहे हार्ट बीट कर रहा है, आर यू अवेयर ऑफ इट, आर यू कॉन्शियस ऑफ इट, यू आर नॉट। हमारे ब्रीथ, अगर हम कॉन्शियस होते तो हम किसी और काम में लग जाते, क्योंकि अटेंशन कैन नेवर बी स्प्लिट। हम किसी और काम में लग जाते हमारे दिल की धड़कन ही रुक जाती, हम सांस लेना भूल जाते। सो ये भगवान ने इस तरह से इसको सबकॉन्शियस माइंड के पास डाल दिया कि भैया तुम्हारा काम है, करते रहो करते रहो करते रहो, थको मत। सो जितने भी इनवॉलंटरी एक्शंस हैं वो सब हमारे इसी से सबकॉन्शियस माइंड से, इसलिए ये सर्वाइवल भी है। दिस माइंड इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर आर सर्वाइवल। ऑल सर्वाइवल एक्टिविटीज आर बिकॉज ऑफ दिस सबकॉन्शियस माइंड। एंड सिंपैथेटिक पैरासिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक पैरासिंपैथेटिक मैं आपको एक मिनट में बता दूं कोशिश करके, हालांकि ये बहुत बड़ा सिस्टम है, इट्स अ नर्वस सिस्टम। जब भी आपको कोई इमोशन होता है, आप अभी भी आपका जो बॉडी है और आपका जो दिमाग है और आपके जो सिस्टम्स हैं, आपके जो माइंड है, वो पाषाण युग का है, स्टोन एज का। स्टोन एज में हमारे पास दो रिस्पॉन्सेस थे और उस समय फिजिकल एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत थी उन दोनों रिस्पॉन्सेस को एक्टिवेट करने के लिए। वन वॉज, या तो कोई हम पे अटैक करता था तो या तो हमको लगता था हमारे पास ताकत है तो हम उसको अटैक करते थे और जीतने की कोशिश करते थे, या हमें लगता था कि जो हमारा एनिमी है वो बहुत पावरफुल है और हम फिर भागने की कोशिश करते थे। सो चाहे हम भागे चाहे अटैक करें, बोथ द एक्टिविटीज, बोथ द रिस्पॉन्सेज रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ फिजिकल एनर्जी। तो हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम जो उस समय का बना हुआ है वो एक्टिवेट हो जाता है, और वो आज भी एक्टिवेट हो जाता है जब भी कोई स्ट्रेस होता है। और जब वो एक्टिवेट हो जाता है तो हमारे जितने एंडोक्राइन सिस्टम्स हैं वो सीक्रेट करने लगते हैं, जैसे कि आपकी एड्रेनलिन ग्लैंड, वो सीक्रेट करने लगेगी और आपको बहुत सारी शुगर, बहुत सारी एनर्जी मिलेगी जिससे आप भाग सके। तो आपने देखा होगा स्ट्रेस में, फियर में लोग 15-15 किलोमीटर भाग गए, जो कि वैसे कभी नहीं सोच भी नहीं सकते भागने की। दिस इज बिकॉज ऑफ आवर सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेटेड। बट आज के जमाने में हमारा स्ट्रेस होता है बट हमें फिजिकल एनर्जी की जरूरत नहीं होती, हमें अपनी मेंटल एनर्जी की जरूरत होती है। तो अगर हम बार बार स्ट्रेस में आएंगे तो ये सारी सिस्टम जो एक्टिवेट होगा वो फिर हमको बहुत सारी डिजीजेस लाइक डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम्स एक्टिवेट करेगा। पैरासिंपैथेटिक का काम होता है सिंपैथेटिक को नॉर्मलाइज करना। सो पास्ट एक्सपीरियंस, सो हैबिट्स, सो दिस इज द वर्क ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एंड हैबिट्स। हमारा ब्रश, हमें याद भी नहीं है सुबह उठे और अपना ब्रश करने लगे, या जितनी भी हमारी रूटीन एक्टिविटीज हैं, हमको जो है ध्यान भी नहीं रहता हम कर रहे हैं और हम कर जाते हैं, पर वो धीरे धीरे हम आपको बताएंगे कैसे इनकॉम्पिटेंसी से कॉम्पिटेंसी पे हम आते हैं। और जितने अभी हमने आपको एग्जाम्पल्स दिए, पास्ट एक्सपीरियंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड होते हैं। सबकॉन्शियस एक्शंस और सबकॉन्शियस माइंड की एक और क्वालिटी है, हमारे फिर एक्शंस, थॉट्स एंड इमोशंस को सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। और इसकी एक खास बात है कि ये क्या सही है क्या गलत है, फैक्ट को नहीं चेक करता, जो इसके पास स्टोर्ड है, इट्स लाइक अ जिन, इट्स लाइक अ जिन ऑफ अलादीन।
जैसे अलादीन का चिराग का जिन जो होता है, चिराग को आपने कॉन्शियसली रगड़ा, उसके बाद अलादीन का जिन आ गया और जिन ने कहा मेरे आका बताओ क्या काम करना है, और फिर वो रुकता नहीं। अगर आपने उसको एक काम बता दिया तो फिर वो नहीं रुकेगा, वो पूरा करके ही मानेगा। उसी तरह से हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है इसको ओबे करना आता है, इसको लॉजिक एनालिसिस नहीं आता है। इसलिए क्या हम डाल रहे हैं अपने जिन को, क्या दे रहे हैं अपने कैप्टन को, क्या दे रहे हैं वो हमको, वी नीड टू पॉज एंड डिसाइड एंड देन पुट इट इनसाइड। किसी के बारे में भी नेगेटिव थॉट अगर आपको आती है, इस व्यक्ति ने ऐसा गलत किया, इसने ये किया वो किया, तो उसको वहीं पे रिलीज कर दीजिए। अगर सबकॉन्शियस माइंड में चला गया तो ये हमेशा आपको उस व्यक्ति के प्रति उसी हिसाब से और फिर शायद संसार को उसी हिसाब से परसीव करने लगेगा। तो ये होता कैसे है, दो एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, साड़ी पहनना, ड्राइविंग सीखना और एनी अदर एग्जाम्पल, इवन ब्रश करना। जब हमको जो फर्स्ट स्टेज होती है कि जब हमें ये पता चलता है, जब शुरू में तो आप इस बारे में अवेयर ही नहीं थे कि आपको साड़ी पहननी नहीं आती, कि आपको ड्राइव करना नहीं आता, बट एक स्टेज आती है जब आप सोचते हैं अब हमें साड़ी पहनना चाहिए, अब हम गाड़ी ड्राइव करना चाहते हैं या अब हम ब्रश करना चाहते हैं, तो उस समय आपको समझ में आता है कि कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस आ जाती है कि ये तो हमें आता ही नहीं। अभी तक आपकी ये जो इनकॉम्पिटेंस थी वो आपको पता ही नहीं थी, फिर आपके कॉन्शियस लेवल पे आगे कि ये मुझे नहीं आता। और धीरे धीरे जब आप सीखना शुरू करते हैं तो आप वो काम बहुत कॉशियसली करते हैं, बहुत सोच सोच के करते हैं। जैसे गाड़ी ड्राइविंग का है, आप कहते हैं भाई चुप रहो, एकदम बोलो मत, बात मत करो, अब मुझे एक्सीलेटर दबाना है, अब मुझे गियर चेंज करना है, फॉर एवरीथिंग यू आर कॉन्शियस, सो दैट इज कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। फॉर एवरी बिहेवियर ऑफ ड्राइविंग यू आर कॉन्शियस, एंड ग्रेजुअली ये धीरे 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 क्या होता है, आपके सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में जा रहा है। और एक स्टेज आती है जब आप नाच रहे हैं, आप गाना सुन रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, जैसे ये लड़की है आराम से स्टेयरिंग व्हील पे हाथ है बट इधर देख रही है, थोड़ा बहुत हमने देख लिया, थोड़ा बहुत किसी को हाय भी कर दिया, दैट मींस नाउ वी हैव रीच्ड टू द लेवल ऑफ अनकॉन्शियस कॉन्शियसनेस। All of you are requested to kindly keep your mic on mute. All the participants are requested to keep their mic on mute, please. And ये जो हमारा subconscious mind है, ये 24 घंटे चलता रहता है, 24 घंटे चलता रहता है। So जो जब हम सोते भी हैं, then also it is working. So first जो अगर पूरी sleep आपके 9 घंटे की है तो पहले 3 घंटे में आपकी प्रोसेसिंग ड्रीम्स होती हैं, यानी जो कुछ हमने दिन भर किया है उसको वो प्रोसेस करता है। बहुत सारे आइडियाज आपको रात में मिलते हैं बिकॉज यू आर प्रोसेसिंग ऑल द इंफॉर्मेशन, बहुत सारे नए आइडियाज आपको आते हैं और सुबह उठ के आप जो है एकदम से उसको लिख लेते हैं या याद, अरे हमने तो ये दिमाग में आ रहा है, आपको ये नहीं समझ में आता कि हमने ड्रीम में लिया या हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा था या क्या हो रहा था। और जो बीच का होता है वो आपका जो होता है प्रेडिक्टिव ड्रीम्स होते हैं, यूजुअली फ्यूचर से रिलेटेड होते हैं, एंड सुबह के जो ड्रीम्स होते हैं वो वेंटिंग ड्रीम्स होते हैं, यानी कि वो रिलीज करते हैं अपनी जो भी अनप्लेजेंटनेस है, जो कुछ भी ऐसा है उसको रिलीज कर देते हैं। तो कभी कभी हमारे यहाँ बोलते हैं कि सुबह का सपना सच होता है क्योंकि वो वेंट आउट कर रहा है, वो हो सकता है पास्ट के रियलिटी से बेस्ड हो बट ऐसा नहीं है कि वो आपका प्रेडिक्टिव ड्रीम नहीं होता है। जो बीच का टाइम होता है वो बहुत ही गहरा होता है, उस समय के ड्रीम आपको यूजुअली याद नहीं रहते हैं। कैन यू ऑल सी दीज फोटोज, बिकॉज मेरे उस पे ये आ रहा है, हम नहीं देख पा रहे हैं। यस मैम, आप लोगों को दिख रहे हैं? यस मैम, दिख रहे हैं। ओके, सो अभी हमने जैसे फैक्ट्स एंड इंटरप्रिटेशन की बात बताई थी, इस ये बच्चा थोड़ा सा डरा हुआ लग रहा है, वूम्ब में है, तो वूम में जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, मैं सभी को पता भी है और मैं इसको रिएट्रेट करूंगी कि वूम के एक्सपीरियंसेस आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जो मदर की फीलिंग्स है, बिकॉज वो कॉर्ड से कनेक्टेड होता है चाइल्ड, जो मदर की फीलिंग्स है वो बच्चे में भी जा रही होती हैं। इवन पैदा होने के बाद आपको लगता है कि बच्चा नहीं सुन रहा, बट एक्चुअली एनर्जी इज ट्रेवलिंग इन दी सराउंडिंग ऑफ द चाइल्ड एंड इन दी एंटायर होम। तो जो भी आप बात कर रहे हैं, जो भी आप कुछ कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वो उसके
ट्रैवल कर रही है और उसको असर डाल रही होती है. जितने रिलीजियस बिलीव्स होते हैं, हम कैसे रिलीजियस हो जाते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में हम बचपन से देखते हैं तो हमारे रिलीजियस बिलीव्स बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, और इसीलिए हमारे स्टीरियोटाइप्स, ऑल स्टीरियोटाइप्स आर पार्ट ऑफ आर सबकॉन्शियस माइंड. क्योंकि हम जो है वैसे कहेंगे, नहीं नहीं भाई वो उस रिलीजन का है, वो मेरा फ्रेंड है, वो ऐसा नहीं है. सो एक दो लोगों को तो आप कभी नहीं मानेंगे बिकॉज आपके एक्सपीरियंसेस नहीं है वैसे, पर जो आपने लोगों से सुना है, लोगों एक कम्युनिटी के बारे में जो सुना है, एक रिलीजन के बारे में जो सुना है, अपने रिलीजन के बारे में जो सुना है, वो धीरे 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 आपके इसमें चला गया है. ये वाली फोटो स्पाइडर के फोबिया से, ऑल फोबियाज या तो कोई लॉजिकल वजह है, मान लीजिए आप बचपन में ड्राउन होते होते बच्चे किसी भी स्टेज में, एंड आपको पानी से फोबिया हो गया. बट अगर कोई लॉजिकल कारण नहीं है फोबिया का, आपने कभी भी पानी के संग आपका कोई बुरा एक्सपीरियंस नहीं रहा बट आपको फिर भी पानी से बहुत डर लगता है, इसका मतलब वो कहीं आपके प्रिमिटिव एक्सपीरियंसेस से, पास्ट लाइफ से आ रहा है. और फिर वहां जाके आप, एक सीरियल आता था राज पिछले जन्म का, पहले लोगों ने उसको लगा कि ये सब फैब्रिकेटेड है, बट एक्चुअली वो फैब्रिकेटेड नहीं था. एंड आई स्टिल रिमेम्बर शेखर सुमन के लड़के को बहुत डर लगता था फायर से, और जब वो पास्ट लाइफ में गया तो ही सॉ कि उसके लड़के की पिछले जन्म में फायर से डेथ हुई थी. अब ये वाली फोटो जो मैंने दिखाया कि इसको लग रहा है, दिस मैन देखिए, इसको लग रहा है शी इज एंजॉयिंग समथिंग ऑन हर मोबाइल, बट ही इज फीलिंग, ही इज इंटरप्रेटिंग इट एज इग्नोरिंग और समथिंग. तो अगर उसने ये इंटरप्रेट किया तो फिर आगे उसको उसी तरह से उसकी रिलेशनशिप में दरारें आ सकती हैं. देयर इज अ ह्यूज रिसर्च ऑफ प्लेसिबो रिसर्च है, मेडिटेशन है, इच्छा मृत्यु है, ब्रेथ वर्क है, शवासन है, जिससे हम अपने सबकॉन्शियस, ऐसा नहीं है कि सबकॉन्शियस माइंड में जो भी घुस गया उसके बाद. प्लेसिबो रिसर्च के बारे में बच्चों पता है, लेट मी जस्ट टेल गिव यू एक एग्जाम्पल. जो भी मेडिसिन पहले आती है मार्केट में, उसमें पहले उसका प्लेसिबो रिसर्च होता है. यानी कि मान लीजिए हमने आज आपकी वैक्सीन आ रही है इसकी, कोरोना की, इसका एग्जाम्पल ले लीजिए. सपोज करिए कोई कंपनी ये कह दे कि हमने वैक्सीन लॉन्च कर, और वो वैक्सीन के नाम पे आपको डिस्टिल वाटर लगा दे, एंड आई एम श्योर अधिकांश लोगों में कोरोना की एंटीबॉडीज भी पैदा हो जाएंगी, बिकॉज योर माइंड हैज बिलीव्ड कि मुझे कोरोना वैक्सीन लग गई है, अब मेरे को नहीं होगा कोरोना, और मेरे एंटीबॉडीज तैयार हो रही है. सो योर brain will start seeking secreting relevant hormones and relevant things, and you will get the body antibodies also. So this is what is the power of mind. Isi tarah placebo research mein pehle to medicine ke upar bahut har research hoti hai market mein aane ke pehle. Abhi recently ek research hui hai surgery ke upar, jisme unhone knee surgery kuch logon pe jinko same complaints thi kuch pe knee surgery ki, और कुछ को उन्होंने केवल कट लगाया, और उस बंदे को ये लगा कि मेरी नी सर्जरी हुई, कट लगाया, उसको ऊपर से देख के भी लगा कि मेरी नी सर्जरी हुई, बट उन्होंने करा कुछ नहीं, उसको फिर से स्टिच कर दिया और वो सब कर दिया, एंड जो परसेंटेज ऑफ रिकवरी नी सर्जरी, एक्चुअल नी सर्जरी वालों की थी, वही परसेंटेज ऑफ रिकवरी प्लेसिबो सर्जरी वालों की थी. सो दैट इज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड. अगर आप इस पे थोड़ा सा ध्यान दें तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं. इसीलिए कहते हैं कि हम अपने माइंड का बहुत छोटा पोर्शन यूज करते हैं. अगर हम इस पे सोचें कि हम अपने माइंड पे हम बहुत कुछ कर सकते हैं. सबकॉन्शियस माइंड को आपको ट्रेन करना पड़ेगा, केवल कॉन्शियस माइंड को अपना ट्रेन करने से कुछ नहीं होगा. आप वेट कम करना चाहते हैं और आप सोचते हैं अपने कॉन्शियस माइंड से कि हम आज मिठाई नहीं खाएंगे या अब मिठाई छोड़ देंगे, पर जब मिठाई सामने दिखती है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड हावी हो जाता है और आप गप से वो मिठाई या वो केक की चीज या कुछ खा लेते हैं. सो हाउ टू ट्रेन योर सबकॉन्शियस माइंड. देयर इज हमारी कंट्री में इच्छा मृत्यु का रहा है, शवासन रहा है, ये सब आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने के लिए. एंड आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स एंड आई विल गिव यू सम टेक्निक्स आल्सो. आई विल आल्सो लाइक टू शेयर विद यू द स्टोरी ऑफ नॉर्मन कजिन. नॉर्मन कजिन इज अ प्रोफेसर, अब तो शायद नहीं रहे वो,
नॉर्मन कजन यूक्ला यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया इन लॉस एंजलिस में प्रोफेसर थे और इनको एक एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस करके एक बीमारी हुई थी जिसमें पेन बहुत होता है और पेन बढ़ता जा रहा था, जितनी भी ज्यादा उनको वो दी जा रही थी मेडिसिन उतना ही पेन बढ़ रहा था। एंड डॉक्टर्स ने कहा इसका 100-200 में किसको एक ठीक होता है, इसका कोई इलाज नहीं है। एंड दिस मैन, तो इन्होंने डॉक्टर से आर्ग्यू कहा कि ठीक है इलाज नहीं है, देन ही सेड कि हॉस्पिटल इज नॉट अ प्लेस टू गेट ओके, हील होने के लिए हॉस्पिटल नहीं होता। और क्या डॉक्टर, आपने भी ये सुना होगा कि पॉजिटिविटी से, लाफ्टर से आदमी हील होता है। तो वो डॉक्टर भी इनके कॉन्फिडेंस में कॉन्फिडरेट था एंड डिस्पाइट ऑल मेडिकल एडवाइस, अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, ही शिफ्टेड टू अ रूम विच वॉज इन फ्रंट ऑफ द हॉस्पिटल एंड वहां उन्होंने चार्ली चैपलिन की मूवीज देखनी शुरू की। आप देखिएगा इसको, यूट्यूब पे भी हैं इनके वीडियोस। एंड ही कलेक्टेड लॉट ऑफ बुक्स ऑफ जोक्स एंड द होल डे ही केप्ट हिमसेल्फ बिजी विद एंटरटेन्ड हिमसेल्फ, ही लव्ड लाइक एनीथिंग एंड ही एंटरटेन्ड हिमसेल्फ एंड ही बिकेम परफेक्टली ऑलराइट। उनकी मेडिसिन की डोज खत्म, कम होती गई एंड टिल रिसेंटली ही वॉज अ प्रोफेसर इन यूक्ला। There is a book of Bernie Siegel, Love, Medicine and Miracle. He was a surgeon, cancer surgeon थे ये, और फिर इनको लगा कि ये surgery करके तो हम किसी की quality of life improve नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने surgery छोड़ दी और उन्होंने एक पास में एक special clinic खोला और उसमें he was working on hope and positive attitude and all those things. And he has written several examples अपनी book में, उसमें से एक example मुझे याद है कि एक lady थी about 70 years old and doctor ने बोला कि इसके पास 6 महीना है बस। जब उसका बेटा आया तो उसने ऐसे पूछा माँ से कि mother what do you want? This was winters. तो mother ने कहा, American mother, mother ने कहा I want a summer pass. The son knew that she is not going to survive up to summer, but he brought a summer pass. And when he came in, she survived. When he came in summer, he again asked and she said, I want a winter pass. He again brought a winter pass, she survived. And for next many years, she survived because she had that hope and she knew that I'm not going to die. So, is tarah ke bahut sare cases hain unki book mein. Very interesting book it is. I have just given some photos of Arunima Sinha, terrorist, Abhinav Bindra, Amitabh Bachchan and Nick Viju. Nick Viju, jo ki he is born without limbs. Many of you might have seen his videos. And itna happy koi aadmi aap soch bhi sakte hain. Because his language was that I can entertain people. That is what his parents gave him. Amitabh Bachchan, radio mein reject hone ke baad, he said to his subconscious mind, I have the capability and I will prove it to people. अरुणिमा सिन्हा, उसके पैर कट गए एंड उसके बाद उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन किया कि मैं तो चढ़ जाऊंगी ऊपर माउंट एवरेस्ट पे एंड ही हैड नेवर बीन अ माउंटेनियर, ही ऑलवेज स्टेड इन प्लेन एरियाज। अभिनव बिंद्रा ने पूरा जर्मनी में जाके अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन किया टू विन द गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स फॉर शूटिंग। एंड चाहे ये पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, फिदायीन, ऐसे ही कोई अपने को सुसाइड कर लेगा। इतना ज्यादा इनके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करा जाता है कि ये दे थिंक दैट डाइंग इज गुड फॉर मी, सैक्रिफाइसिंग माय लाइफ विल टेक मी टू हेवन और समथिंग लाइक दैट। और ये सबकॉन्शियस माइंड का ही खेल है कि ये लोग इतना कुछ अचीव कर पाए। So now we will talk, take few minutes to talk about how to have some control over your subconscious mind. And I just want to tell you ki jo aapki hypnoidal hypnotherapy isliye bahut kaam karti hai, bahut zyada effective hai, because wo aapke subconscious mind mein yadi kuch ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो आपके कैप्टन को गलत नेविगेट करने को बोल रहे हैं,
उनको रिलीज करती है, रीराइट करती है, एंड देन यू आर यू बिकम हैप्पियर, यू बिकम हेल्दियर, फिजिकली हेल्दी. आई टेल यू, मेरी एक क्लाइंट थी, उसको बहुत सीवियर माइग्रेन था, एंड इन वन सेशन शी गॉट, वो 10 साल से था, महीने में 3-4 अटैक पड़ते थे उसको, एक सेशन में उसका माइग्रेन पूरा ठीक हो गया, जैसे ही उसके सबकॉन्शियस माइंड से. और पिछले 2 साल से हम उसको फॉलो अप कर रहे हैं, अभी तक नहीं हुआ. जैसे ही उसके जो कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस थे विच क्रिएटेड एंगर एंड गिल्ट इन दैट स्टूडेंट, एंड जैसे ही वो रिलीज हो गए और जैसे ही उस पर रीराइट, जैसे अभी आपने कहा हैप्पी एक्सपीरियंस को, जैसे ही हमने रीराइट किया, यू स्टार्टेड फीलिंग बेटर एंड यू फेल्ट सो गुड एंड यू फेल्ट एज इफ यू आर इन अ पार्क. सो इट इज पॉसिबल. दिस वॉज ऑल्सो अ स्मॉल हिप्नोइडल टेक्निक. दिस वॉज ऑल्सो हिप्नोइडल टेक्निक. और इस तरह से जब हम यूज करते हैं तो उसका एक सेशन में पूरा माइग्रेन ठीक हो गया, जबकि हम लोग माइग्रेन पे काम नहीं कर रहे थे, बिकॉज हमें क्या पता माइग्रेन किस वजह से है. हम तो उसके कुछ, उसने कहा कि हमें माइग्रेन हो रहा है, हमने कहा चलो थोड़ा सा तुम्हारा माइग्रेन का पेन कोशिश करते हैं कम हो जाए. और उस एफर्ट में शी वेंट इनटू, बिकॉज शी हैड कम इन अ सोमैटिक चार्ज स्टेट, उस समय उसको ऑलरेडी हो रहा था. और उस समय जब शी इमीडिएटली रिलेटेड टू हर दोज एक्सपीरियंसेस विच वर वेरी पेनफुल टू हर, विच मस्ट हैव कॉज्ड, शी वाज आल्सो नॉट अवेयर कि ये सब की वजह से हो रहा है. आई वॉज ऑल्सो नॉट अवेयर, बट जैसे ही उनको रिलीज किया शी बिकेम परफेक्टली ऑल राइट. और अभी भी वो ठीक है एकदम, नहीं तो परेशान हो गई थी वो बुरी तरह. और ये जो हिप्नोइडल स्टेट, नेचुरल हिप्नोइडल स्टेट हमारी दिन में 2 बार जरूर रहती है, एक बार जब हम सुबह उठते हैं और एक बार जब हम सोने जाते हैं. आपने देखा होगा आपका क्रिटिकल फिल्टर वीक हो जाता है, आपका एनालिटिकल माइंड, आपका डिसीशन मेकिंग माइंड उस समय लो हो जाता है, दैट क्रिटिकल फिल्टर. सो क्रिटिकल फिल्टर के बाईपास करके डायरेक्टली मैसेज यूनिट्स कैन बी सेंट. इसलिए जब आप सुबह उठें तो आप बिल्कुल भी न्यूज, मोबाइल ये सब मत देखिए, बिकॉज देन यू आर अलाउइंग द एक्सटर्नल वर्ल्ड टू एंटर इनसाइड यू एंड यू आर गोइंग टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट वर्ल्ड. रादर यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ टॉक, यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर अफर्मेशंस एंड पॉजिटिव रिजोल्यूशंस. आप शीशे के सामने जाके खड़े होइए और बोलिए आज मैं अपने को दुगना हैप्पी कैसे करूंगा, आज मैं अपना ये गोल कैसे कंप्लीट करूंगा, व्हाट एम आई गोइंग टू डू टुडे. सो दीज क्वेश्चंस विल गिव यू आंसर, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड हैज ऑल द आंसर्स. इट इज 6,000 टाइम्स मोर पावरफुल. सो इफ यू आस्क दीज क्वेश्चंस, आप नेचुरल हिप्नोइडल स्टेट में जाते हैं. ये हम लोगों के पास जब क्लाइंट्स आते हैं तो हम इसको क्रिएट करते हैं, हिप्नोइडल स्टेट. एंड यू आर एब्सोल्युटली, आप जब सोने जा रहे होते हैं, जब सोए नहीं है तो यू आर कॉन्शियस, टोटली कॉन्शियस, एट द सेम टाइम यू आर हिप्नोइडल. इसी तरह जब आप उठ रहे हैं, हल्का सा आलस है, नींद कम खुल रही है, सो यू आर एक्चुअली इन अ हिप्नोइडल स्टेट. एंड उस समय अगर आप अपने को पॉजिटिव, इसीलिए जब आप सोने जाए तो प्लीज डू ग्रेटिट्यूड प्रेयर्स. आप खुद को भी धन्यवाद दें, आज हमने क्या क्या अच्छा किया, आज हमने क्या क्या पॉजिटिव किया. वो सब लोग जिन्होंने आपके एनवायरनमेंट में पॉजिटिव किया उनको जरूर धन्यवाद दें. वो आपकी मेड भी हो सकती है, आपका स्पाउस भी हो सकता है, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, ऑक्सीजन भी हो सकती है, नेचर भी हो सकता है जिसने आपको जिंदा रखा है. सो देर आर इन्यूमरेबल थिंग्स टू विच यू कैन थैंक. एंड ऑल्सो आई विल रीइटरेट, प्लीज थैंक योर सेल्फ ऑल्सो. अपने को थैंक्स देना बिल्कुल ना भूलें. एंड जब, और इसी तरह फॉरगिवनेस है, यदि कोई आपकी लाइफ में आपको हर्ट किया है तो आप उसको फॉरगिव, लेट इट गो, क्योंकि अगर आप उसको नहीं लेट गो करेंगे तो वो आपके अंदर जाके कहीं ना कहीं कोई ना कोई घुन, कीड़ा बन जाएगा जो आपके जो स्टोर्ड चीज है उनको खाता रहेगा. एंड देर इज वन थिंग बाय विच यू कैन डू अ लॉट अबाउट योर subconscious mind is meditative self-talk. This is actually a series that we have started. So these meditative self-talk, actually ye humne abhi ek series shuru ki hai mind spa talkies ke naam se, because
द प्रेजेंट सिनेरियो इज कि हम में से सब, मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी, चाहे हम थेरेपिस्ट हो चाहे ना हो, हम में से कोई ऐसा नहीं है जो स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंसेस जिनके नहीं होते, सबको होते हैं. एंड जब भी ये स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंसेस हम, अ लॉट ऑफ स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंसेस वी आर नॉट एबल टू डील ऑन आर ओन, वो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जगह बना लेते हैं. तो बट पीपल डोंट गो टू अ प्रोफेशनल, दे डोंट गो टू अ थेरेपिस्ट. लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर नॉट गोइंग टू थेरेपिस्ट. बुखार आने पे वो डॉक्टर को दिखाने चले जाएंगे, बट चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो, चाहे सर दर्द की हो, इसकी हो, कोई और आपको बार बार हाथ धोने की समस्या है या आपको डिप्रेशन हो रहा है, तो मेंटल हेल्थ को इतना बड़ा टैबू बना रखा है कि पीपल डोंट गो. सो जैसे मैंने आपको बताया कि वो एक लड़की हमारे पास जिसको सेपरेशन की एंजाइटी थी, स्टार्ट मैंने उसी से किया. तो मैंने उसको एक दो सेशन किए, उसके बाद मैंने कहा अच्छा मैं ऐसा करती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए एक रिकॉर्ड करके, कोरोना की एंजाइटी को रिकॉर्ड करके मैं भेजती हूँ तुमको. फिर उससे मैंने टेस्ट भी किया और उसने बताया कि उसको वो सुन के बहुत अच्छा लगा. तब से मैंने ये स्टार्ट किया दैट बहुत सारे इश्यूज जो बच्चों के हैं, बड़ों के हैं, जैसे मान लीजिए बच्चों में हमने देखा पब्लिक फियर बहुत ज्यादा है, पब्लिक स्पीकिंग का फियर बहुत ज्यादा है, या कोरोना फियर इधर हो रहा था, या सेल्फ एस्टीम बहुत, आई एम नॉट गुड इनफ, दिस इज वेरी वेरी कॉमन. तो मैंने इन सब के लिए फिर एक एक जो है ये मेडिटेटिव सेल्फ टॉक, मैंने इसको नाम दिया है माइंड स्पा टॉकीज की मेडिटेटिव सेल्फ टॉक, और इनको हम तीन तीन चार चार मिनट का रिकॉर्ड करके आई एम फ्री ऑफ कॉस्ट, आई एम पुटिंग इट ऑन यूट्यूब, सो एनीबडी कैन डाउनलोड देम or anybody can hear them depending on what topic they want to hear. So abhi humne 3-4 dali hai, corona fear dala hai, public speaking dali hai, ek enhancing positivity to deal with your depression and upset ye dala hai, aur chauthi abhi hum ye kal shayad dalenge self esteem ke upar jo maine aapko bheji thi. So ye bahut common hai, isme main aur banaungi. Aur maine ye dekha ki agar hum inhi talks ko personalized kar dein, जैसे आपकी जो स्पेसिफिक जो इश्यूज हैं उनसे रिलेटेड यदि हम टॉक को कर देते हैं, तो दिस मे बी द फर्स्ट मैनेजमेंट टूल, सेल्फ मैनेजमेंट टूल टू डील विद योर सबकॉन्शियस माइंड एंड वंस यू हियर देम. क्योंकि हम अगर चाहें कि आप अपनी सेल्फ टॉक को चेंज करिए, तो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट. वी फाउंड दैट इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू चेंज देयर सेल्फ टॉक, बिकॉज सेल्फ टॉक ऐसी चीज होती है जो, अभी हमने आपसे कहा था 60-70,000 थॉट्स रहती हैं, उनका बेस तो लैंग्वेज है, हम कौन सी लैंग्वेज अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. तो उनको यदि हम चेंज कर पाए, तो अपने से नहीं कर पाएंगे, तो हम ये जो हम अगर सुनेंगे ये पॉडकास्ट सुबह दोपहर शाम सुनने, या 21 दिन तक, इसका एक नियम होता है, अगर आप 21 days तक कोई भी काम कर लें तो वो हैबिट बन जाती है, दैट गोज इन टू योर सबकॉन्शियस माइंड. तो आप इसको उल्टी हैबिट करने के लिए या उसको निकालने के लिए भी आप 21 days तक, 21 times यदि कोई भी काम कर लेंगे तो it will come out. So you can reverse the process. So this is ये नियम बच्चे आप लोग जितने लोग भी सुन रहे हैं, कोई भी चीज आप अगर 21 बार दोहरा लेते हैं लगातार, तो वो आपका then you can leave. But अगर आपने बीच में छोड़ दिया, वो मान लीजिए आपको स्मोकिंग छोड़नी है, आप 21 दिन तक यदि आपने नहीं पिया सिगरेट, then it is very likely that you will be able to leave smoking. But अगर आपने 3 दिन छोड़ी, 4th day पी ली, फिर 3 दिन छोड़ी, फिर 4th day पी ली, then it is very difficult for you. बल्कि वो और strong habit बन जाएगी, क्योंकि जब ये intermittent extinction होता है तो वो और strengthen हो जाता है कि अच्छा अभी तो ये दोबारा आएगा. तो इसलिए ये जो personalized self talks हैं या जो general self talks हैं, they can help you a lot to release a lot of things from your subconscious mind and reverse the negative processes if any, and enhance the positive processes of subconscious mind, so that your captain knows where to go, how to go, where to navigate in this ocean of mind. There is one more technique, there are many other techniques, but I thought I can, time zyada nahi hoga. And Dr. Ruchira, how much time you give me so that I can decide how many techniques I share? Ma'am, jitna aap chahe. आपका सेशन इतना अच्छा है कि हम सुनते रहें और आप कहती रहें. नहीं, आपका कुछ टाइम लिमिट होगी ना? नहीं मैम, कोई टाइम लिमिट नहीं है हमारे. ओके ओके,
तो चलिए, मैंने अभी तो दो टेक्निक आपके लिए ली थी, मेरे पास एक दो और है, वो भी मैं शेयर कर लूंगी. सो ब्रेथ वर्क, आप लोग ये बोला जाता है कि आप प्राणायाम करिए, बट प्राणायाम अगर आप एक लैंग्वेज के साथ करें और फील करके करें, देन दिस प्राणायाम विल बी वेरी इफेक्टिव एंड इट कैन रिवर्स द प्रोसेसेस. बिकॉज प्राणायाम से आपका अगेन वो जो क्रिटिकल फिल्टर है वो थोड़ा कम होगा, वीक होगा, और डायरेक्ट वो पॉजिटिव मैसेजेस आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएंगे. सो डीप ब्रीथ करिए, बट ऑल्सो इमेजिन एंड से टू योर सेल्फ, आई एम ब्रीदिंग ऑल पॉजिटिविटी फ्रॉम द एनवायरमेंट, आई एम ब्रीदिंग ऑल पॉजिटिविटी फ्रॉम फैमिली एंड सराउंडिंग. एंड जब आप ब्रीद आउट करिए तो यू से एंड फील, विजुअलाइज, आई एम रिलीजिंग ऑल नेगेटिविटी. यू कैन विजुअलाइज दैट यू आर रिलीजिंग ऑल नेगेटिविटी. And I can bet if you do it every day, it's going to be extremely helpful to you. So I'm breathing and you can see, in fact, बहुत लोगों को मैंने देखा है, उनको काला धुआं अपने शरीर से निकलता हुआ दिखा है. I have experimented it on many clients. They have seen black smoke coming out of their body. So let it go. एंड आप देखेंगे कि धीरे 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 अगर आपका ये ब्लैक या कोई भी कलर का निकल रहा है इस तरह का, तो आप देखेंगे अगर आप रोज प्रैक्टिस करते जा रहे हैं तो ये कम हो जाएगा, इट विल रिड्यूस. सो ब्रीद इन एंड विजुअलाइज. इसी तरह अगर आप जो भी चीज अचीव करना चाहते हैं, जो भी गोल आप अचीव करना चाहते हैं, आप उसको ब्रीद इन करिए एंड विजुअलाइज करिए कि आई एम अकम्प्लिशिंग माई गोल्स. And I'm breathing out all my blockages, all my impediments. So these are very, very simple and very effective techniques. Very simple and very effective. So I just chose. मैंने सोचा कि मैं वो दो चार techniques choose करूँ जो बच्चों को, जो चाहेंगे वही कर पाएंगे, जो नहीं चाहेंगे वो नहीं करेंगे. So जो बच्चे, जितने भी लोग सुन रहे हैं, उनमें से जो चाहें वो अगर इसको यूज करेंगे तो they will find a significant change in their life. So breathe in resources and breathe out imperfections. So कोई भी चीज जो मुझमें imperfection है, जो उस goal को achieve करने में बाधक है, I am breathing it out and I am breathing in all the resources which are required. And you know, a lot of resources are at the feeling level, not actual. क्योंकि मान लीजिए आपके पास किताबें नहीं है, but the moment you breathe in resources, you will find from where to get the books or from where to get this resource. कैसे हम इस resource का विकल्प निकालें, even if you don't have money to buy. So जो second technique हमने बताई आपको self-talk की, you can, you yourself, if you can change, do it. Or you can go to Mind Spa. You can write to us on mindspa.lko@gmail.com for personalized self-talks. और देर इज आर माइंड स्पा करके एक हमारा यूट्यूब चैनल है, MINDSPA, विच इज मिशन मेंटल हेल्थ के तहत हम ये सब कर रहे हैं. एंड आई वॉन्ट ऑल दीज 200-300 पीपल हु आर एसोसिएटेड टू काइंडली स्प्रेड इट, सो दैट हम आपके माध्यम से और आप खुद इंस्ट्रूमेंटल बनिए इस मिशन मेंटल हेल्थ को फैलाने में, विच इज वेरी मच रिक्वायर्ड. If your mental health is good, your physical health is bound to be good. So Mind Spa करके आप जा सकते हैं, मेरे नाम से भी सर्च कर सकते हैं, but and you can go to meditative self talk by Mind Spa, ढूंढेंगे तो शायद मिल जाए. I will come to a couple of more techniques. One is the language of thanks, जो जिस पे हमने अभी थोड़ा सा आपसे बात भी की थी. For whatever positive has happened today, शाम को बैठ के सोने के पहले प्लीज गिव थैंक्स टू एवरीबॉडी एंड एनीबॉडी हु हैज हेल्प्ड यू, सपोर्टेड यू. यू कैन आल्सो डिसाइड कि आज मैं इंफ्रास्ट्रक्चर को थैंक्स दूंगा, क्योंकि इतनी सारी चीजें हर दिन आप सबको नहीं दे पाएंगे. आज मैं नेचर को दूंगा, आज मैं अपने रिलेटिव्स को दूंगा, आज मैं अपने फ्रेंड्स को दूंगा, आज मैं अपनी मेट्स को दूंगा, या कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको मैं रोज दूंगा, और इनके बाद हम हर दिन दो तीन चीजें नई चुनेंगे थैंक्स देने के लिए. एंड एज आई सेड यू, थैंक योरसेल्फ आल्सो, क्योंकि अगर कुछ अच्छा हुआ है आपकी लाइफ में आज, या अगर किसी ने आपको हेल्प किया, मान लीजिए आपने, आपके फ्रेंड्स आज आपके घर आए एंड यू रियली एंजॉयड एंड यू वांट टू गिव थैंक्स टू योर फ्रेंड्स, तो ये फ्रेंड्स
सबको बुलाने में, एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाने में आपने भी मेहनत की, उनको कॉल किया, उनके लिए नाश्ता पानी का इंतजाम किया, ड्रिंक्स का इंतजाम किया, कुछ किया आपने, और आपने उतना टाइम उनको दिया. दैट मीन्स यू आर ऑल्सो इंस्ट्रूमेंटल इन गेटिंग दिस पॉजिटिव थिंग हैपन. केएफपी बीएफपी इज वेरी इंटरेस्टिंग. केएफपी मीन्स की फर्क पैंदा एंड बीएफपी मीन्स बहुत फर्क पैंदा. सो ऑल्सो थैंक फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव. आप ये सोचिए कि जो चीज़ मेरे पास है अगर वो नहीं होती तो बहुत फर्क पड़ता, और जो चीज़ मेरे पास नहीं है वो नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है. एंड स्टार्ट थैंकिंग वॉट एवर यू हैव इंस्टेड ऑफ ऑलवेज ट्राइंग वो मेरे पड़ोसी के पास बड़ी गाड़ी क्यों है, पड़ोसी का बेटा जो है वो ज्यादा नंबर ले आया, मेरा बेटा क्यों नहीं लाया, एनीथिंग एक्चुअली. ये जो कंपैरिजन जब हम करते हैं और जब हम अपनी अपनी कमियों पे ध्यान देना शुरू करते हैं तो हमारी लाइफ बहुत मिजरेबल एंड अनप्लेजेंट हो जाती है. आई थिंक आई टोल्ड यू अबाउट प्रैक्टिसिंग फॉरगिवनेस फॉर द एंटायर डे. आई फॉरगिव एनीवन अक्रॉस टाइम एंड स्पेस हु हैज हर्ट मी और हार्म्ड मी फॉर माय ओन पीस. हो सकता है आपको उसे फॉरगिव करने का मन ना भी करे, तब भी आप ये कह सकते हैं आई फॉरगिव एनीवन अक्रॉस टाइम एंड स्पेस. ये बड़ा वंडरफुल स्टेटमेंट है, अक्रॉस टाइम एंड स्पेस हु हैज हर्ट मी और हार्म्ड मी फॉर माय ओन पीस. तो जब तक एक थ्योरी है वो ये कहती है कि जब तक आप एंगर अपने पास रखते हैं, फॉरगिव नहीं किया इसका मतलब एंगर है. दिस एंगर सप्रेस्ड एंगर इज cause of every physical disease, is cause of every physical disease. And a recent research on cancer, body syndrome ki bhi jo puri theory hai, aur jo ek research cancer pe hui hai, unhone bhi kaha ki cancer ke piche suppressed anger is a major cause. As well as पिछले जितने भी कैंसर पेशेंट्स में एक कॉमन चीज पाई गई, हालांकि कॉज अभी तक नहीं पता कैंसर का, कि एक कॉमन चीज पाई गई कि सबको पिछले 1.5-2 साल में कोई मेजर स्ट्रेसफुल इवेंट उनकी लाइफ में हुआ था. और अगर वो उसको उसी समय हम लोग रिलीज कर लेते थिंग्स वुड हैव बीन बेटर एंड डिफरेंट. एक और बहुत ही वंडरफुल फॉर्मूला है, हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसलिए होती है कि वी डोंट एक्सेप्ट आवरसेल्फ्स एज वी आर. अगेन शुरू से हम में कंपटीशन एंड कंपैरिजन बहुत ज्यादा भरा गया है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लव एंड एक्सेप्ट योरसेल्फ. एंड इन ऑर्डर टू डू दैट, रात में सोने जाते समय, सुबह उठने के समय, स्टार्ट सेइंग आई लव एंड एक्सेप्ट माईसेल्फ, आई लव एंड एक्सेप्ट माईसेल्फ. एंड यू कैन टैप हियर ऑल्सो, I love and accept myself. And I love and accept as you are. हम अपने हस्बैंड में, अपनी वाइफ में कमियां ज्यादा देखते हैं, अपने बच्चों में, पड़ोसियों में, दोस्तों में, उनकी अच्छाइयों की जगह उनमें जो नहीं है उस पर फोकस करते हैं. एंड खासकर हमारे पेट्रियार्किकल सिस्टम में तो हम चाहते हैं कि जो लड़की दूसरे घर से, दूसरे वैल्यू सिस्टम से, कल्चर से आई है, वो एकदम हमारी तरह, हमारे फैमिली सिस्टम की तरह बन जाए और वैसे ही सोचने लगे, वैसे ही बिहेव करने लगे, वही महसूस करने लगे, वही फील करने लगे, विच इज नॉट पॉसिबल एंड विच यू शुड नॉट इवन थिंक, यू शुड नॉट इवन डिजायर फॉर दैट. और अगर हमारे सातों वचनों में एक वचन जोड़ दिया जाए, आई लव एंड एक्सेप्ट यू एग्जैक्टली एज यू आर. So Dr. Ruchira wanted to change the lives of many couples. Yes, ma'am, yes. So we really need to make our children practice. I accept my parents exactly as they are. I accept my children exactly as they are. I accept my maid. I accept my friends. I accept my relatives exactly as they are. Because jab hum accept karte hain to एक तो ये होता है एक्सेप्ट करने से हमारे को चैन मिला, दूसरा जब हम एक्सेप्ट करते हैं तो हमारी एनर्जी भी वहां ट्रैवल होती है, और जब एनर्जी ट्रैवल होती है द अदर पर्सन इज उसके उसमें ऑटोमेटिकली कुछ ऐसे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे जो आप देखना चाह रहे थे.
मॉडर्न मिररिस्टिक की हाउ विल आई मेक माय स्पाउस मोर हैप्पी, कितने लोग ये कहते हैं कि हाउ विल आई मेक माय स्पाउस मोर हैप्पी टुडे, हाउ कैन, जो लोग मनी वगैरह का जो आजकल वो कर रहे हैं, बहुत सारी वर्कशॉप्स आजकल मनी के ऊपर भी हो रही है. सो आई थिंक पीपल हु आर नॉट सक्सेसफुल और हु वांट टू अर्न मोर मनी, दे शुड पुट अ स्टिकी ऑन देयर मिरर एवरी डे, हाउ कैन आई अर्न डबल द मनी टुडे, एंड यू, आई टेल यू, यू विल find the answers. Or you imagine exactly how much you want to earn. After certain days, Jim Carrey वगैरह ने यही किया. बहुत सारी आप secret किताब पढ़ी है, उसमें बहुत है इस तरह के examples. Jim Carrey एक बहुत popular है. And I think I will end my session after giving this example of Jim Carrey. Jim Carrey बहुत popular एक LA actor है, Hollywood actor. बहुत स्ट्रगल किया, जैसे सारे एक्टर्स स्ट्रगल करते हैं, इसने भी बहुत स्ट्रगल किया. एंड ही वाज वेरी अपसेट. एक दिन उसने क्या किया, $10,000 का एक चेक लिखा अपने नाम का और अपने ही नाम पे पोस्ट कर दिया उसको. और ही एवरी डे ही विजुअलाइज्ड कि मेरे को 10,000 का चेक मिल रहा है, मेरे को 10,000 का चेक मिल रहा है, मेरे को 10,000 का चेक मिल रहा है. And after, it didn't happen immediately. I mean, anybody else would have left this hope. But exactly after a couple of years, I think, he got, or couple of months, he got exactly the same amount check. And he has given this, आप YouTube पे देखेंगे तो आपको ये शायद वीडियो भी मिल जाएगा उसका, जिसमें उसने बोला है कि मुझे exactly उतने ही amount का check मैंने receive किया. इसी तरह एक और example है. There was a feng shui expert. उसने LA के पास अपना एक feng shui वाला क्लिनिक खोला. And she wanted कि कोई हॉलीवुड एक्टर भी आए हमारे पास. So she इसके बारे में सोचती रही and the Hollywood actors started coming. फिर उसके दिमाग में आया कि केवल हॉलीवुड एक्टर मुझे नहीं चाहिए, I want an Oscar winner. तो वो एक ऑस्कर का प्राइज, एक नकली ऑस्कर खरीद के ले आई, अपने ऑफिस में रखा. एंड एवरी डे शी विल से हेलो ऑस्कर व्हेन आर यू कमिंग, हेलो ऑस्कर व्हेन आर यू कमिंग. एंड शी सेज दैट आफ्टर फ्यू डेज एन ऑस्कर विनर हॉलीवुड एक्टर डिड कम टू माय क्लिनिक. और फिर मुझे लगा कि ऐसा भी विनर चाहिए जो कई ऑस्कर जीत चुका हो. तो उसने फिर 2-3 ऑस्कर खरीद लिए एंड देन दैट ऑल्सो हैपेंड. So, power, subconscious mind में इतना पावर है कि because it emits energy also, energy ball अभी आपने देखा ना, तो हमारे पूरे चारों तरफ जो ऑरा, भगवान के लिए हम लोग हमेशा फोटो में ऑरा देखते हैं, what is that? That's energy ball. So, इस energy ball को ठीक रखना, ये energy दूसरों तक, पूरा रेकी, प्राणिक हीलिंग, they all work on energy healing. Energy medicine पूरा system है, yoga हमारा, प्राणायाम, they are all working on energy field and energy medicine. So I would request all my participants to start thinking about their energy ball, strengthening it, enhancing it. Jitna bada apna energy ball kar loge, utna hi aapko aapka aura bada hoga, utna hi aapki positivity badhegi. And open for questions, please. So human psychology is complex and ever evolving, and this topic was handled really sensitively by Professor Manju. I think especially ma'am, we found the hands-on exercise you conducted very remarkable. Thank you. I must mention a comment which we received from the chat box. Obviously there are many compliments, and one has written, beautiful session, wah dil halka ho gaya. And in capital letters this person has written that. So thank you ma'am, it was a very thought provoking session. I request Supriya ma'am to take over the question answer session. Thank you so much Anshra ma'am, and thank you Manju ma'am, it was a wonderful session, and actually I got filled with so much positivity, and I'm sure most of the participants went through the same. And I was just scrolling the chat box to look at the questions, and more than questions, I think there were compliments for you. So thank you so much once again, and I'll start with question answer session. Can you tell me what kind of compliments are there so that my positivity could go up? Bilkul, bilkul. Ma'am, most of them said that it was a great session.
Thank you, ma'am. Wonderful session. Thank you for conducting such a beautiful webinar from Ms. Rajshri. And I'll just scroll it. It was a very good session. This is from Ms. Ayushi. And it was a very informative session. Thank you, Manju ma'am. This is from Ms. Kavya. So there are many. I mean, there are more than 500 compliments for you. So. Oh my God. Thank you very much. आप ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत साइंटिफिकली प्रूवन है हैप्पीनेस का फॉर्मूला कि जब हम दूसरों को हेल्प करते हैं या दूसरों का कुछ पॉजिटिव करते हैं तो हम एक्चुअल में जो ट्रू हैप्पीनेस होती है वो गाड़ी खरीद के बंगला बना के नहीं मिलती पर जब हम दूसरों को हेल्प करते हैं या दूसरों को हैप्पीनेस देते हैं तो हमारी हैप्पीनेस ट्रू सेंस में बढ़ती है एब्सोल्युटली मैम एब्सोल्युटली सो विद योर परमिशन मे स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन मैम यस या सो दिस फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम डॉक्टर उर्वशी एंड शी इज आस्किंग हाउ टू ओवरकम अ फियर व्हिच इज बेस्ड ऑन एक्चुअल एक्सपीरियंस How to overcome a fear which is based on actual experience. Again, आप जो है देखिए आप दो तीन चीजें कर सकते हैं जो मैंने अभी शेयर की हैं. एक तो आप ये कह सकते हैं जब आप प्राणायाम करें you can say that I'm releasing my fear. That was an incident. It has happened. And I am now releasing my fear. I am not radiating this fear to anything else. क्योंकि अगर हमें एक बार कहीं कोई चीज गिरने का एक्सपीरियंस हो गया या डूबने का एक्सपीरियंस हो गया तो फिर हम हर जगह उसको कर सकते हैं नाउ आई एम मोर केयरफुल नाउ आई नो हाउ टू बिहेव इन वाटर फॉर एग्जांपल एंड नॉट वाले सेंटेंसेस कम से कम यूज करिएगा या मत यूज करिए आई वुड से जस्ट डोंट यूज सो यू कैन से आई एम केयरफुल फॉर एग्जाम्पल अगर हम पानी का एग्जाम्पल लें आई एम नाउ वेन एवर आई गो टू वाटर आई एम केयरफुल And I know how to save myself. So if you keep repeating it, then your fear will go. And you can also visualize that I'm releasing my fear. And agar phir bhi nahi ho, then you can come for a session. You can ask for personalized self-talk. So phir hum aapki jo thought process hai, usko understand karke, phir hum aapke liye, we can make videos or audios for releasing your fear. Or we can do a session in which we release your fear and then give you self-talk for practice and hearing it every day. Okay. This next question is from Ms. Hema. And she asks that, can arthritis be cured by subconscious mind? कहते तो हैं arthritis के लिए ये कहते हैं कि arthritis is actually a psychosomatic disease. And... I am an example. मैंने अपनी arthritis को मेरे को it was detected in 1994. That means 26 years. 26 years हो गए और मेरी काफी बढ़ गई थी. ये स्थिति आ गई थी कि मेरे को चलने में भी दिक्कत होने लगी थी. And अभी भी मेरा बीच में ऊंचा नीचा होता है. फिर उसके बाद मेरा slip disc भी हुआ. मेरा अभी दो साल पहले मेरा फ्रैक्चर भी हो गया स्पाइन का पर मैंने बहुत ज्यादा अफर्मेशंस एंड सेल्फ टॉक को प्रैक्टिस करके आई हैव क्योर्ड माय सेल्फ एंड मेरी जो शुरू में डॉक्टर्स ने कहा आपको रिमोटाइड है बट आई एम नॉट टेकिंग एनी मेडिसिन एंड इट इज ऑलमोस्ट कंट्रोल्ड आई एम यू कैन सी मे आई एम फंक्शनल एंड मेरे सारे जॉइंट्स में इतना पेन था कि इसको ऐसे अभी भी हल्का सा आई एम नॉट सेइंग कि पूरा चला गया है बट अभी मैं आराम से आई एम फंक्शनिंग एंड आई एम डूइंग थिंग्स जबकि 26 इयर्स में ये बहुत ज्यादा बढ़ जाना चाहिए था राइट दैट्स द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड यस द पावर ऑफ और ये सबकॉन्शियस माइंड मुझे 26 साल पहले नहीं पता था तो उस समय से अगर मुझे पता होता तो शायद ये बढ़ता ही नहीं इतना Ma'am, this next question is from Mr. Milan, and yeah. he is asking, please tell some exercise to control our mind. अभी मैंने बताई आपको बहुत सारी बताई चार पांच चीजें बताई जिससे कि आप
डोंट ट्राई टू से कि जैसे हम ये कहते हैं कि सब कुछ माइंड से, इवन लूजिंग वेट, लोग कहते हैं आई वांट टू लूज माय वेट, जहां आपने वर्ड यूज किया, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है. आई वांट टू लूज, यू डोंट वांट टू लूज एनीथिंग, सो स्टार्ट सेइंग आई वांट टू बी हेल्दी, आई वांट टू बी स्लिम एंड हेल्दी, इंस्टेड ऑफ सेइंग आई वांट टू लूज वेट. हु वांट्स टू लूज एनीथिंग? तो आपका माइंड ये कह रहा है डोंट लूज वेट, इट्स नॉट गुड. Ma'am, this next question is from Mr. Ankit Gupta, and he is asking, is critical mind different from subconscious mind? Yeah, critical mind is a filter through which the message units from, देखिए 4000 message units बहुत सारी हैं. जब हम बचपन में बड़े हो रहे होते हैं, message units थोड़ी कम होती हैं हमारे लिए, but जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं, environment से, body से, जो भी हम सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं, जो भी अगल बगल हो रहा है, हमारी मैसेज यूनिट्स बहुत ज्यादा हैं. अब ये सारी मैसेज यूनिट्स हम अंदर नहीं ले जा सकते, तो एक फिल्टर होता है ना, जैसे फिल्टर कर दिया, पानी गंदा पानी है, उसको आपने फिल्टर लगा दिया तो छन के पानी नीचे गया. तो अब आपने वीडियो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था आपका वीडियो की, दैट फ्रेंड पास्ड मी, ये वीडियो है कि दिस फ्रेंड पास्ड मी विदाउट सेइंग हेलो टू मी, ये तो वीडियो है, ये चला गया. बस इसका इंटरप्रिटेशन, मान लीजिए एक मैंने आपको एग्जांपल दिया था यूट्रस में सेंस ऑफ रिजेक्शन. सपोज दिस चाइल्ड हैज सेंस ऑफ रिजेक्शन, एंड जब ये बाहर आता है और इसकी मदर जो है इसको रिसीव करने आती है स्कूल में, इसको लेने आती है, और ये आधा घंटा लेट हो जाती है. सो मे बी दिस चाइल्ड बिकॉज ऑफ दैट प्रेगनेंसी में जो उसको सेंस ऑफ रिजेक्शन था, दिस चाइल्ड में इंटरप्रेट कि माय मदर डजंट केयर फॉर मी, तो फिर वो अपने अंदर अपने क्या ले जाएगा, दूसरा बच्चा सोचेगा कि वो माँ कहेगी कि बेटा मैं लेट हो गई थी, एंड द चाइल्ड में एक्सेप्ट विल एक्सेप्ट कि मम्मी लेट हो गई थी, मम्मी ट्राइड हर बेस्ट टू कम बट स्टिल शी कुड नॉट. And this child who already has a sense of rejection will think that my mother actually tries to ignore me. Sibling rivalry कैसे होती है? अगर मान लीजिए एक बड़ा बच्चा है, वो बीमार है, छोटा बच्चा पैदा हुआ, अक्सर बड़े बच्चे को हो जाता है कि छोटे बच्चे की केयर होती है, मेरी केयर नहीं हो रही. अगर किसी भी समय उसको डांट दिया पेरेंट्स ने, और उसने अपने मन में ये क्रिटिकल फिल्टर से ये ले गया कि ये छोटे बच्चे के अराइवल से मेरे को मार पड़ रही है जो मुझे नहीं पड़ती थी. अब आगे जितने भी इंसिडेंट्स होंगे वो यही वाला ग्रीन ग्लास लगा के अपने लाइफ के इंसिडेंट्स को देखने के चांसेस बढ़ जाते हैं. अनटिल अनलेस यू ट्राई योरसेल्फ, एंड ऐसा नहीं है कि हम जो है अपने ये जो एक्सपीरियंसेस है इनको अनराइट नहीं कर सकते, कर सकते हैं और करते भी रहते हैं. We keep doing, but अगर हम इसको unwrite करने का प्रयास नहीं करेंगे और बार बार उस पर rewrite करते जाएंगे और अपने neuro pathways को strong करते जाएंगे, तो problem बढ़ती जाएगी. Ma'am, we'll take another two questions, and this question is from Miss Ayushi, and she is asking, can I train my mind into forgiving? Yes. The memory of hurtful experience remains. So yes. जो अभी मैंने आपको बोला, केवल आप इतना ही कहिए, I forgive for my own peace. अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, मान लीजिए आपने बहुत गुस्सा है और आपको लगता है this person doesn't deserve forgiveness, so you can say कि दंड देने का अधिकार मेरे पास शायद नहीं है, क्योंकि अगर होता मेरे पास में तो हम दे ही चुके होते अब तक. तो इसको, अगर इसको दंड की जरूरत है तो इसे दंड मिलेगा कहीं ना कहीं से, बट आई फॉरगिव दिस पर्सन फॉर माय ओन पीस. आई हैव प्रैक्टिस्ड इट एंड आई हैव फाउंड दैट मेरे को भी एंगर जो ज्यादा था वो कम हो गया, माय एंगर हैज रिड्यूस्ड. सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट. आपको पहले दिन नहीं अच्छा लगेगा, दूसरे दिन नहीं अच्छा लगेगा, बट कीप डूइंग आई फॉरगिव फॉर माय ओन पीस. अगर आप केवल ये कहने में परेशानी हो रही है आपको, आई फॉरगिव यू, आई फॉरगिव एनीवन हु हैज हर्ट मी, तो यू कैन ऐड इट, आई फॉरगिव एवरीवन हु हैज हर्ट मी,
for my own peace. Right. Ma'am, this last question is, I think, very relevant in today's time. This question is from actually the whole team of NSS, and this question is that India accounts for approximately 17% of total worldwide death due to suicide. And a major chunk in this is of students. So what can be done to overcome these societal tendencies? देखिए ये मिशन मेंटल हेल्थ और अभी मैंने एक टॉक दी थी जब सुशांत सिंह राजपूत ने किया था तो इसी डिप्रेशन और उस पर और ये जो हमने ये एनहांस पॉजिटिविटी की सेल्फ टॉक बनाई दैट आई इमीडिएटली रिकॉर्डेड आफ्टर द सुसाइड ऑफ सुशांत सिंह राजपूत एंड मैंने अपनी टॉक में एक बात ये भी कही थी कि करीब 1,36,000 डेथ्स आर बिकॉज ऑफ सुसाइड एवरी ईयर. अभी कोरोना की थोड़ी सी डेथ्स हुई हैं उसपे कितना हाहाकार है. आई एम नॉट सेइंग कि नहीं होना चाहिए पर द एंटायर गवर्नमेंट मशीनरी हम लोग सब लोग पर्सनली फ्रेंड्स रिलेटिव्स एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट कोरोना एवरीवन इज प्रोटेक्टिंग देमसेल्व्स दे नो हाउ टू प्रोटेक्ट एंड दे आर डूइंग इट. अगर नहीं प्रोटेक्ट करेंगे तो हम लोग पता नहीं अभी क्या हाल होता है हमारा. एंड सुबह दोपहर शाम रात केवल कोरोना की न्यूज आती है जो कि एक्सेस हो गया है जिससे हमारे में एक्चुअली नेगेटिविटी बहुत आ रही है बहुत एंग्जाइटी लोगों की बढ़ रही है बिकॉज दिस न्यूज इज नॉट टॉकिंग अबाउट हाउ मेनी पीपल हैव रिकवर्ड इट्स टॉकिंग अबाउट हाउ मेनी पीपल हैव डाइड हाउ मेनी आर इन्फेक्टेड एंड हाउ मेनी हैव डाइड. इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट कि भाई 5,000 लोग जहां रह रहे थे वहां पे मुश्किल से 10 लोगों को हुआ है या 50 लोगों को हुआ है. मेरी जो कोरोना वाली सेल्फ मेडिटेटिव टॉक है उसमें मैंने यही कहा है कि हार्डली 1,00,000 में उस समय जो डेटा था वो 1,00,000 में 7 लोगों का था शायद कि 1,00,000 में कुल आई एम अवेयर दैट केवल 1,00,000 में कुल 7 लोगों को कोरोना होता है और अभी डेथ रेट जो है 2.5% है. और आज की जो स्टडी आई है विच इज सेइंग कि एक्चुअली जो अनरिपोर्टेड केसेस हैं या जिनको पता भी नहीं है जो टेस्ट भी नहीं हुए एक सर्वे के हिसाब से 10 टाइम्स ज्यादा हैं एंड डेथ रेट इज एक्चुअली 0.01%. तो अगर हम ये फैक्ट्स दें तो हमारी एंजाइटी कम होगी कि नहीं कम होगी इंस्टेड ऑफ ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हम नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं. सुसाइड की जो बात है बहुत अच्छा प्रश्न. थैंक यू स्टूडेंट्स यू हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन एंड इट्स वेरी रेलेवेंट. और इसीलिए ये मिशन मेंटल हेल्थ चलाया जा रहा है क्योंकि हमारे लिए मेंटल हेल्थ इज स्टिल अ टैबू. मेंटल हेल्थ की बात नहीं करते. अगर आप कोई भी सुसाइड आज तक ऐसा नहीं हुआ है जिसको जो एकदम से बहुत खुश था हमेशा से खुश था और सडनली उसने सुसाइड कर लिया ऐसा कभी भी नहीं. डिप्रेशन के एपिसोड्स होंगे सुसाइड की थॉट्स हैं और ऐसा बंदा हमेशा सुसाइड के बारे में किसी ना किसी से कहीं ना कहीं कोई ना कोई जिक्र जरूर करता है. हमारा क्या रिस्पांस था या हमारी कितनी अवेयरनेस है. 1,36,000-38,000 डेथ अगर हर साल हो रही है तो सरकार की क्या जिम्मेदारी है इंस्टीट्यूशंस की क्या जिम्मेदारी है स्कूल्स की ऑर्गेनाइजेशंस की इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटीज की क्या जिम्मेदारी है इसके ऊपर अवेयरनेस फैलाने के लिए. हम इतना कंपटीशन हम इतना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड क्रिएट कर रहे हैं. आर वी नॉट अवेयर वेयर इट इज टेकिंग अस. देयर इज अ गुड एडवर्टाइजमेंट. ये सारे एडवर्टाइजमेंट भी हमको सबलिमिनल लेवल पे असर करते हैं. आप रास्ते में जा रहे हैं और रास्ते से एक गाड़ी गुजरी और आपको लगा अरे इसने मुझे ओवरटेक कर लिया आपका ईगो तुरंत जागृत हो गया और आपने तेज भगाना शुरू कर दिया बिकॉज यू हैव बीन रियर्ड इन अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड. उसी के तो ये व्यक्ति तो परेशान हो गया और दूसरा व्यक्ति जो कहता है कि इसको जाने दो आई वॉन्ट टू ड्राइव माई कार at my own speed, at my own convenience, at my comfort. This person is quite relaxed.
सो बच्चों, मैं ये तुमसे कहना चाहूंगी कि अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो. और आजकल लगातार मैंने देखा है कि सुसाइड के दो मेजर कारण जो है, एक है परफॉर्मेंस का प्रेशर और दूसरा है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का प्रेशर एंड ब्रेकअप. बहुत ज्यादा है. एक लड़की ने छोड़ा, अरे भैया जिंदगी खत्म हो गई. एक सदगुरु का वीडियो देखी, वो कहता है भैया जरा नाक बंद करो और फिर देखो एक मिनट में कैसा लग रहा है. एक मिनट के लिए नाक बंद करके देखो, तब देखो. लाइफ इज लिविंग इज मोर इम्पोर्टेंट, लिविंग इज मोर वैल्यूएबल और डाइंग इज मोर वैल्यूएबल. थिंक ऑफ योर पेरेंट्स. मिशन इस, ये टैबू हटाइए, मेंटल हेल्थ के प्रति टैबू हटाइए. और जैसा मैंने अभी कहा, कुछ दिन तक यदि आपको लगता है कि आप अपने इमोशंस, चाहे वो एंगर के हैं, चाहे डिप्रेशन के हैं, सैडनेस के, डिप्रेशन इज एन आउटकम, चाहे एंगर के हैं, चाहे सैडनेस के हैं, चाहे फीलिंग लो के हैं, कोई भी इस तरह के इमोशन, अगर आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं कुछ दिनों तक, प्लीज गो एंड कंसल्ट समबडी, सम साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट के पास आप तब जाएं जब साइकोलॉजिस्ट आपको रेफर करें. साइकोलॉजिस्ट विल रेफर यू बिकॉज साइकियाट्रिस्ट इज अ मेडिकल ब्रांच. दे टेक केयर ऑफ योर प्रॉब्लम्स विद मेडिसिन. साइकोलॉजिस्ट टेक केयर ऑफ योर प्रॉब्लम्स विद रिलीजिंग और क्लियरिंग योर सबकॉन्शियस माइंड, लाइक अ स्टोर हाउस. आपके घर का जो स्टोर रूम होता है उसको पीरियोडिकली आपको सफाई करने की जरूरत पड़ती है कि नहीं? इसीलिए वो माइंड स्पा मैंने उसका नाम रखा है कि स्पा. यू नीड टू स्पा योर माइंड ऑल्सो, नॉट योर बॉडी. यू डोंट नीड ओनली मैनिक्योर एंड पेडिक्योर, यू नीड माइंडी क्योर ऑल्सो. उसको भी आपको सजाने संवारने की जरूरत है. हम ऊपर से फेयर एंड लवली खरीद लें, मास्करा खरीद लें, काजल खरीद लें, ये खरीद लें, बट अंदर का जो चार्म है, अगर हम अपने अंदर माइंड को नहीं सजाएंगे तो ये ऊपर का बॉडी का सजाना इज जस्ट अ शो ऑफ. वी नीड टू डेकोरेट आवर माइंड ऑल्सो. इसके ऊपर कोई ट्रेनिंग नहीं है बचपन से. अगर बचपन से हमारे करिकुलम का पार्ट बन जाए मेंटल हेल्थ, बचपन से हमें ये, मान लीजिए ये मैंने बहुत छोटी छोटी टेक्निक्स आपको दिखाई, कोई इसमें थ्योरी नहीं है, कोई इसमें बड़ा ऐसा नहीं है, बच्चा भी सीख जाएगा 5 साल का. अगर बचपन से हमारे अपने प्राणायाम सिखाए जाए, योग सिखाया जाए, अपनी माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन सिखाया जाए, बड़े छोटी छोटी टेक्निक्स है माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन की, उन सबको सिखाया जाए, तो आज हमें जो हमारा इंडिया, वन बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन, सेकेंड बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिटिव कल्चर, थर्ड बिकॉज ऑफ एंट्रिंग इन टू हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स विदाउट एनी अवेयरनेस, विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन एंड विदाउट एनी बडी विद होम यू कैन शेयर what is there in your heart or in your mind, you don't have any platform where you can share. Hamara ek website bhi hai jisme humne ek usme ek dala hai ki aap ja ke agar keval chillana chahe to wahan chilla lijiye. You just mindspa-india karke website hai at .com. mindspa-india.com. तो इसमें आप केवल जाके जो मन हो बोलना चाहे बोल लें, और अगर आप चाहें तो आप कह सकते हैं वी नीड अ प्रोफेशनल हेल्प, और जस्ट रिलीज व्हाटएवर इज देयर इन योर माइंड. सो दिस इज अ यूनिक फीचर. ये दोनों बहुत यूनिक है, दिस सेल्फ मेडिटेटिव टॉक एंड दिस इज हैविंग दिस आउटबर्स्ट करने का एक प्लेटफॉर्म. क्योंकि लोग ना, हमारे पास भाई बहन बहुत सारे हैं, ना हमारे पास कजन्स हैं, माँ बाप का एक अपना अलग स्फीयर है, ना रिलेटिव्स हैं, ना जॉइंट फैमिलीज हैं जहाँ हम अपने मन की बात भी शेयर कर सकें. एब्सोल्युटली. थैंक यू मैम फॉर दिस माइंडी क्योर कॉन्सेप्ट. आई हर्ड इट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई एम श्योर मोस्ट ऑफ अस विल. आज मैंने भी पहली बार बोला है ये वर्ड. राइट. अच्छा मैम, दिस वन थिंग, रिसेंटली दिस न्यूज इज कमिंग अप अबाउट स्टीव कॉलिंग द स्पिरिट ऑफ सुशांत सिंह राजपूत. सो वुड यू लाइक टू कमेंट समथिंग ऑन दैट? क्या मैंने नहीं सुना? अच्छा. सो क्या आप बता रही हैं, प्लीज टेल मी.
मैम एक्चुअली ये बहुत वायरल एक चीज हुआ है. स्टीव एक है फॉरेनर एंड ही कॉल्ड द स्पिरिट ऑफ सुशांत सिंह राजपूत. हां हां अच्छा ही कॉल्ड द स्पिरिट. तो क्या मिला मैम? ये मैंने तो ज्यादा उसमें एक्चुअली एक्सप्लोर नहीं किया है बट दिस वाज अ क्वेश्चन आई थिंक रुशरा मैम कैन. यस यस मैम उसमें वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा को बुलाया. तीन बार बुलाया और तीनों बारों में उसने कुछ वर्ड्स बोले हैं. उन वर्ड्स से उन्होंने ये एनालाइज किया है कि उसकी मतलब मर्डर हुआ है. हम लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन में करते हैं ये. It's possible, and I tell you, जो शायद आप लोगों के लिए interesting हो सकता है, to end this with a very interesting story. There are ये जो mediums होते हैं, तो Steve must be a medium, जिसके through ये जो है, ये spirit को बुलाते हैं. जैसे अमिताभ बच्चन में सब लोग interest रखेंगे. So एक किताब है Born Again, उसमें अमिताभ बच्चन की story पूरी लिखी हुई है Born Again की. एंड उन्होंने कहा है कि द एंटायर फैमिली, अक्सर हमारी फैमिली सोल्स रीबर्थ लेती हैं. तो उसने लिखा है कि द एंटायर फैमिली ऑफ अमिताभ बच्चन हैज टेकन बर्थ अगेन. एंड उसकी मदर एंड फादर भी वही हैं. एंड अमिताभ बच्चन जो था वो बहुत ये, और इसके भाई बहुत बड़े एक्टर्स थे ये न्यूयॉर्क में जो ब्रॉडवे शोज वगैरह होते हैं, देवर एक्टर्स देयर. And they have taken birth. And उसकी जो interesting episode है वो ये है कि उस जमाने में, उस birth में रेखा and जया have also taken rebirth. And the रेखा was his first wife and जया was his second wife. अब इस ये there are mediums who go to the spirits and who go to investigate and they have said it. एंड उन्होंने बकायदा काफी प्रूफ एंड एविडेंस देने की कोशिश की है, बिकॉज जो फेस का स्ट्रक्चर होता है, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, वो रीबर्थ के बाद भी ऑलमोस्ट सेम रहता है. तो वो सब उन्होंने फोटो और वो सब दिखाने की कोशिश की है. वेरी इंटरेस्टिंग बुक इट इज. किसी को इंटरेस्ट हो सेकेंड बर्थ में, रीबर्थ में, तो बॉर्न अगेन पढ़िएगा. Absolutely, ma'am. Absolutely. And I think this is all in question answer session. Thank you so much, ma'am, for answering all the questions with so much patience. And over to Antra, ma'am, now. Thank you, ma'am. Thank you for your thoughtful answers. Supriya, ma'am, I now request you to deliver the vote of thanks. Quick entry. Now it's time to formally thank, first of all, on behalf of the team of NSS, I would like to thank Professor Manju. Ma'am, it was actually an amazing session because all of us, you can see the compliments that is there in the chat box. So we're really thankful to you for taking out time for all of us and filling us with so much positivity today. I can't even explain that in words. So thank you once again for that. I would also like to thank all the participants who are here. This webinar was successful actually because of you. You all were wonderful audience. So thank you so much. I hope that this session was fruitful for you and you took a lot of positivity out of it. And last but not the least, I would like to thank our respected principal, sir, because he is always there to support us. So thank you once again from the whole team of NSS to all of you. And I hope that you stay safe, take care, and have a nice evening. Thank you so much. Thank you very much, Dr. Ruchira, Shiv Kumar ji, Supriya, and Antara, and everyone for making this effort and giving me this opportunity. Thanks a lot. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. It was an amazing session. Thank you. As you saw in your support. I hope something. Takeaway kya hai? Actually, mujhe ye zarur puchna chahiye tha bachchon se ki what is their takeaway from this session? Kuch leke ja rahe hain? Kya leke ja rahe hain? Ye chaliye ab next time. Aap inse feedback lenge to mere ko feedback zarur se share kar dijega. And please ask in the feedback form what is their takeaway and something that they are going to use. Ma'am, we are getting the answers. They are saying understanding self first of all. This is from Ashmeet. And thank you so much, ma'am. Very fruitful session. It was very enlightening session.